हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFS। कैसे हो सब लोग? यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माधुरी, पिंकी, तोशिका, विवेक, अमरजीत, भरत, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो फटाफट से लेक्चर के लिंक को शेयर करो, सेशन को शेयर करो और यहां पर जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। और लोग हमारे साथ जुड़ने चाहिए। अमरजीत गुड मॉर्निंग, भरत गुड मॉर्निंग, मनीषा गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, आरजी गुड मॉर्निंग, धीरज, राहिल। सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस बायोकेमिस्ट्री, जो है हमारा गेट एक्सेल का 2015 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और उसमें से पर्टिकुलरली इस सेशन के अंदर हम बायोकेमिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं 2015 का। ऑलरेडी बाकी ईयर्स के जो हमने डिस्कशन है वो यहाँ पर कर लिए हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आपको आज के इस सेशन में गेट एक्सेल 2015 के क्वेश्चन जो है हमें वो डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो चलो फटाफट से सब लोगों को यहाँ पर एक काम करना है। क्या करना है? लेक्चर का जो लिंक है, इस सेशन का जो लिंक है, उस सेशन के लिंक को शेयर करना है। और अभी तक आपने IFS ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो IFS ऑनलाइन को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना है। ठीक है, धीरज गुड मॉर्निंग, राहिल, तरानूम, विशाल, राहिल कह रहे सेशन अवेलेबल आफ्टर द लाइव लेक्चर। ओके, चलो फटाफट से सब लोगों ने शेयर किया, एस और नो? यस, इस सेशन को शेयर किया आपने? लाइव सेशन को शेयर करो फटाफट से जल्दी जल्दी, ताकि मैक्सिमम लोग हमारे साथ जुड़े और हम यहां पर बायोकेमिस्ट्री के जो क्वेश्चन से, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से, जिनको हम वन बाय वन अब डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। वैसे आपको पता है कि गेट एक्सेल का जो एग्जाम है उसके अंदर 20 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से, वो बॉटनी हो, जूलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, फूड टेक हो या बायोकेमिस्ट्री हो, हर सेक्शन से वहां पर 20 क्वेश्चन आते हैं। और उन 20 क्वेश्चन जो होते हैं उनके टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 30 होते हैं। ठीक है, तो मान लो कि आपने पांच में से कोई भी दो सेक्शन के, एक में बायोकेमिस्ट्री कर रहा हो और एक में बॉटनी कर रहा हो, तो बायोकेमिस्ट्री के 30 मार्क्स, बॉटनी के 30 मार्क्स, टोटल हो गए 60 मार्क्स। ठीक है, केमिस्ट्री आपका 25 मार्क्स का होगा और जनरल एप्टीट्यूड आपका है वो 15 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से आपका अल्टीमेट जो फाइनल पेपर है आपका 100 मार्क्स का होगा। तो उसमें जैसे हमें पता है कि बायोकेमिस्ट्री हम हर जगह पढ़ते हैं, हम CSIR नेट के लिए बायोकेमिस्ट्री को है अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। इनफैक्ट हम जो ICMR हो, DBT हो, BARC हो, ICR हो, इनफैक्ट मतलब ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है जिस एग्जाम के अंदर बायोकेमिस्ट्री पूछा नहीं जाता। तो बायोकेमिस्ट्री हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फटाफट से लेक्चर के लिंक को अलग अलग ग्रुप्स के अंदर शेयर करो। अगर आपके पास ग्रुप्स अवेलेबल नहीं है तो आप इस सेशन के लिंक को व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस रख सकते हो, वहां से जो लोग है वो, जो निडी लोग है वो वहां से ज्वाइन कर सकते हैं सेशन को। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले एक बार लेक्चर के लिंक को शेयर करो। और अभी तक सेशन को अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक करो। ठीक है, धवल भट्ट सर गुड मॉर्निंग, नम्रता जिया वेरी गुड मॉर्निंग, हितिका गुड मॉर्निंग, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, स्टार्ट करें हम। चलो तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से हम यहां पर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है इसमें? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल मॉलिक्यूल इज प्री रिक्विजिट फॉर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। ठीक है, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के लिए कौन सा स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो रिक्वायर्ड होता है, वो प्री रिक्विजिट होता है। ठीक है, अब अगर हम फैटी एसिड ऑक्सीडेशन की बात करें तो हमें पता है पेरोक्सोम में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो छोटे चेन लेंथ के फैटी एसिड्स होते हैं उनका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो बड़े होते हैं उनका पेरोक्सोम में होता है। तो इसमें अगर हम डिस्कस करें तो ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा? ऑप्शन ए जो है वो है इनिसिटोल, ऑप्शन बी है कोलीन, ऑप्शन सी है कार्निटिन और ऑप्शन डी जो है वो है ग्लिसरॉल। ठीक है,
ऑप्शन ए इज इनिसिटॉल, ऑप्शन बी इज कोलिन, सी इज कार्निडिन और डी इज ग्लिसरॉल। तो फटाफट से आप सब लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर देना है, बी क्विक, जल्दी से जल्दी यहां पर आंसर देने की कोशिश करो और सबको पार्टिसिपेट करना है, आप सब लोगों को, किसी को भी यहां पर पीछे नहीं रहना है। कमेंट सेक्शन आपके लिए है, उसमें आपको हर एक क्वेश्चन को ट्राई करना है, भले ही आपका क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन का आंसर आपका यहां पर सही आ गया तो वो आपको कॉन्फिडेंस देके जाएगा और डेफिनेटली उसका आपको गेट की एग्जाम में फायदा होगा। क्लियर है, समझ रहे हो यहां पर? वेरी गुड। तो चलो, यहां पर विशाल ने आंसर दिया है सी, विवेक भी कह रहे सी होगा, मंगल ए कह रहे, लेकिन तरन्नुम और विवेक, देन अंचिता, माधुरी सब लोग कह रहे सी आंसर होगा। तो सिर्फ यहां पर मंगल, थोड़ा सा आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देखिए या इस कंसेप्ट को आपको एक बार रिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि करेक्ट आंसर जो है यहां पर वो सी है। कार्निडिन कैसे आंसर सी है वो आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली अगर इसमें ये फैटी एसिड है, ठीक है, ये फैटी एसिड है और यहां पर को एंजाइम ए है। अब यहां से ये अंदर लेने के लिए एक यहां पर हमें मॉलिक्यूल चाहिए जो मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज कार्निटिन पाल्मिटोइल ट्रांसफरेज, इसको हम कहते हैं CPT1, कार्निटिन पाल्मिटोइल ट्रांसफरेज, उससे ये फैटी एसिड जो है वो अंदर आएगा, ठीक है। जैसे ही ये अंदर आता है फैटी एसिड, तो इससे को एंजाइम ए रिलीज होता है, अंदर अंदर होता है, फिर इसके साथ फैटी एसिड के साथ जुड़ जाता है कौन, कार्निटिन, और कार्निटिन जुड़ेगा तो अब कार्निटिन एंड फैटी एसिड ये दोनों का कॉम्प्लेक्स जो है वो अगेन कार्निटिन असाइल कार्निटिन ट्रांसलोकेस से कहां पर जाता है, अंदर जाता है और वहां पर क्या करता है ये मैट्रिक्स के अंदर, जहां पर फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन जो है वो होना स्टार्ट होगा। यहां से कार्निटिन रिलीज होगा, वो एंजाइम ए है, ये यहां पर फिर से आएगा, फैटी एसिड है और यहां से हो रहा है इसका बीटा ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है, तो यहां पर बेसिकली CPT1 काम करते हैं, कार्निटिन पाल्मिटोइल ट्रांसफरेज 1, और यहां पर जो काम कर रहा है वो है कार्निटिन असाइल कार्निटिन ट्रांसलोकेस। तो इस तरीके से कार्निटिन का जो काम होता है वो काम होता है कि फैटी एसिड को वो ऑक्सीडेशन की साइट पे लेके जाए। एक बार जहां पर उस फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होने वाला है, अगर उस जगह पर ये पहुंच गया तो वहां से कार्निटिन जो है वो वापस चला जाएगा, कार्निटिन वापस यहां पर आएगा और यहां पर फैटी एसिड का क्या हो जाएगा, बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए? तो इतना सिंपल सा लॉजिक जो है आपको यहां पर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये सिंपल क्वेश्चन है। आप कहोगे सर आज 26 नंबर का क्वेश्चन कैसे आ गया, क्योंकि ऑलरेडी आपने जनरल एप्टीट्यूड का जो सेक्शन था सोविक सर ने आपका वो कंप्लीट कर दिया है, उसके बाद केमिस्ट्री का जो सेक्शन था उसको संयम सर ने कंप्लीट कर दिया है, और केमिस्ट्री के बाद आज मैं आपका बायो केमिस्ट्री लूंगा। ऐसे ही आपका ये पूरा वीक जो है वो गेट एक्सेल का जो पूरा पेपर 2015 का वो हम यहां पर डिस्कस करवा रहे हैं, ठीक है। अभी तक अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से वो लोग लाइक करें और इस सेशन को शेयर करो, एक ग्रुप में भी अगर शेयर करते हो तो भी मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। चलो, ये समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आराम से आप यहां पर क्या करो, कमेंट सेक्शन मुझे लिख सकते हो। तरन्नुम कह रहे सर एक ही सेशन हुआ है केमिस्ट्री का, कब हुआ? एक बार आप यहां पर जाके देख सकते हो, आराम से आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है और इसमें पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज नॉट फाउंड इन टी आर्म ऑफ अमाइनो असाइल टीआरएनए। आपको पता है टीआरएनए जो है एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब इस टीआरएनए के अलग अलग आर्म होते हैं, कोई एक्सेप्टर आर्म होता है, कोई डी आर्म होता है, कोई टी आर्म होता है, कोई एंटीकोडॉन आर्म होता है, टी आर्म को टी लूप भी कह सकते हैं, डी आर्म को
डी लूप भी कह सकते हैं। तो एक स्ट्रक्चर जो होता है टीआरएनए का, वो आप इमेजिन करने की कोशिश करिए, ठीक है। अब इसमें से पूछा है कि टीआरएनए के अंदर कौन सा फाउंड नहीं होता, नॉट फाउंड बोला है, ठीक है। आरजी कह रहे हैं कि गुआनिन आंसर होगा, व्हाट अबाउट अदर्स, यस। फटाफट से सारे लोगों को यहां पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज डाइहाइड्रो यूरिन, सेकेंड ऑप्शन इज सुडो यूरिन, थर्ड ऑप्शन इज यूरियासिल एंड फोर्थ ऑप्शन इज गुआनिन, ठीक है। तो वन इज डाइहाइड्रो यूरिन, सेकेंड इज सुडो यूरिन, थर्ड इज यूरियासिल एंड फोर्थ इज गुआनिन। तो फटाफट से जल्दी क्वेश्चन का आंसर यहां पर देने की कोशिश करिए, ठीक है। तो सब लोग कह रहे हैं कि गुआनिन होगा, गुआनिन होगा, गुआनिन होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। पता नहीं मुझे आप लोगों को हो क्या जाता है, वही लोग उस दिन भी थे जब मैं आपका डिस्कशन करवा रहा था, ठीक है। तो हमारा, हम शायद तमिलनाडु सेट का डिस्कशन कर रहे थे, तो उस टाइम भी तरानूम, पिंकी, माधुरी, अंचिता, विशाल, विवेक सब लोग थे, और वहां पर भी सब लोग उल्टा आंसर दे रहे थे, और आपको, आप कह रहे थे कि सर हमारा आज बैड डे, हमारे आंसर गलत हो रहे, शायद आप उसी ट्रैक पे फिर से आ गए हो। ऐसा कैसे कर सकते हो आप, ठीक है। गुआनिन क्यों नहीं होता, अगर आप यहां पर टी आर एन ए का ये स्ट्रक्चर देखो, तो मुझे इस टी आर एन ए के स्ट्रक्चर में ये यहां पर टी साई सी लूप दिख रहा है, ये टी लूप मुझे दिख रहा है यहां पर, ठीक है। और इस टी लूप में मुझे आराम से कहीं ना कहीं पर तो यूरे ये गुआनिन दिख रहा है, मुझे यहां पर यूरियासिल दिख रहा है, सुडो यूरिन तो है ही, मुझे नहीं दिख रहा है क्या डाइहाइड्रो यूरिन, मुझे ये नहीं दिख रहा है क्योंकि ये डी लूप में डाइहाइड्रो यूरिन इज प्रेजेंट इन डी लूप। देन व्हाई आर यू गाइस डूइंग लाइक दिस, यस, ऐसा क्यों कर रहे हो आप। थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको यहां पर आराम से पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का ऐसा हो रहा है कि आप बहुत एक्साइट हो रहे हो, इतना इजी क्वेश्चन है। चलो मैं पहले आंसर करता हूं कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट आंसर करना हमारा मकसद नहीं है, हमारा सिंपल से एक ही फोकस है एम है कि विद इन अ पर्टिकुलर टाइम हम उस आंसर को करेक्ट करें, सही करें। तो यहां पर करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, डाइहाइड्रो यूरिन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, एस और नो, आपको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो इस तरीके से आपको यहां पर इन चीजों को समझना है। तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन आपने यहां पर रॉन्ग किया है, कैसे आप इसको रॉन्ग कर सकते हो, ये क्वेश्चन रॉन्ग होना ही नहीं चाहिए। ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर यहां से आगे आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, क्लियर, समझ में आ गया, एस और नो। चलो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ, और बी क्विक, अभी तक अगर आपने सेशन के लिंक को शेयर नहीं किया है तो फटाफट से आप सेशन के लिंक को शेयर करो। अदिति वेरी गुड मॉर्निंग, यस, ठीक है। सो इस तरीके से यहां पर आप इन सब चीजों को देख सकते हो। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था जो सारे लोगों ने गलत किया, एक जन भी ऐसा नहीं है जिसने सही किया। अभी जाके हितिका ने यहां पर इसका सही आंसर किया है, ठीक है। सोविक वेरी गुड, आपने भी यहां पर सही आंसर दिया है, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट आगे बढ़ते, चलो फटाफट से बी क्विक, लेक्चर को लिंक, लेक्चर के लिंक को शेयर करो ताकि मैक्सिमम लोग हमारे साथ यहां पर जुड़ पाए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 28 नंबर का क्वेश्चन है, अब उसकी बात करते हैं। 28 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, वाया द ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल प्रोड्यूसेस, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है एक मॉलिक्यूल का, किसके, ग्लूकोज के, तो ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल से हो रहा है तो कितने एटीपी बनेंगे, सब बोल रहे हो। तो एक कह रहा है 32 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, सेकेंड ऑप्शन है 32 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनडीपीएच, थर्ड ऑप्शन है 30 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, और फोर्थ ऑप्शन है 30 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनएडीपीएच, यस।
फटाफट से जल्दी से जल्दी बताइए। ओके हितिका, वेरी गुड। अगर आपने मेरे कहने से पहले आंसर दिया है तो बहुत बढ़िया। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यस, अगर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ग्लिसरल फॉस्फेट शटल के थ्रू जाता है तो आपको कितने एटीपी मिलेंगे? ठीक है, हमें पता है कि अगर हमारे पास ग्लूकोज है तो ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस हो तो क्या बनता है? पाइरुवेट बनता है। पाइरुवेट से क्या बनेगा? एसिटिल कोए बनेगा। और ये एसिटिल कोए जो है वो कहां पर जाएगा? क्रेब्स साइकिल में जाएगा, और क्रेब्स साइकिल से फाइनली ईटीएस में उसके एफिडीएस टू या एनडीएच जाएंगे, तो हमारा कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। ये होने के बाद आपके पास कितने एटीपी होंगे ये आपको बताना है। फटाफट से जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो पवन के किसी कह रहे कि सी होगा, अदिति कह रहे कि तीन होगा, ओके तरानुम थ्री कह रहे, विवेक थ्री कह रहे, मंगल कह रहे थ्री होगा, माधुरी कह रही है थ्री होगा। व्हाट अबाउट अदर्स? यस, हर किसी को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है सेशन के अंदर। बी क्विक, जल्दी से जल्दी सब लोगों को यहां पर पार्टिसिपेट करना है। यस, बताओ जल्दी से फटाफट से। यस, क्लियर है? चलो फटाफट से बताओ जल्दी से। बी क्विक, यस और नो? 32 भी होता है। ओके चलो, ये देखो, अगर मैं बात करूं यहां पर एक हमारा शटल है, दैट इज ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल। दिस इज ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल। अगर इस ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल की मैं बात करूं तो आप देख सकते हो आराम से यहां पर ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट अंदर आ रहा है और ये बन रहा है डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट में, और ये जा रहा है फिर बाहर डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट। ये साइटोसोल है और यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। अब समझो ना मेरी बात को, अगर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है और वो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट अगर साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में आता है तो वो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट फिर से कन्वर्ट होता है डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट में, और यहां पर एफिडी से क्या बनता है? एफिडीएस टू बनता है, और एफिडीएस टू बन गया तो ये डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट फिर से बाहर गया। ये क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि बाहर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट था, वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में फिर से वो डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट बन गया, और वो डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट जो है वो वापस से साइटोसोल में गया, वो फिर से डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, तो ये साइकिल क्यों चल रहा है? ठीक है, तो आपको पता है कि जब ग्लाइकोलिसिस होती है तो वो साइटोसोल में होती है, साइटोसोल में जो ग्लाइकोलिसिस होती है तो उस ग्लाइकोलिसिस के अंदर दो एनडीपीएच बनते और उन एनडीएच का ऑक्सीडेशन कैसे होगा? तो उनका ऑक्सीडेशन करने के लिए हम ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल को यूज करते हैं, इसलिए ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट अंदर आ रहा है और ये डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होकर बाहर जा रहा है, लेकिन यहां पर NADH के बदले यहां पर क्या बन रहा है? FADH2 बन रहा है। और आपको पता है देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन NADH, अगर 1 NADH हम पकड़े तो इज इक्वल टू 2.5 ATP और 1 FADH पकड़े तो इज इक्वल टू 1.5 ATP। तो एक्चुअली बनना चाहिए था NADH लेकिन बन क्या रहा है? FADH, तो ATPs क्या हो रही है यहां पर? कम मिल रही है, तो इसलिए यहां पर आंसर क्या होगा? 30 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। 32 भी होता है, जैसे अभी कमेंट सेक्शन में किसी ने कहा कि वो 32 भी होगा, लेकिन 32 तब होगा जब वहां पर एस्पार्टेट मैलेट शटल काम करेगा। तो ये देखो आप यहां पर ये मैल, ये देखो
दिस इज वॉट एस्पार्टेट, यहां पर एस्पार्टेट है, दिस एस्पार्टेट इज कॉन्वर्टेड इनटू ऑक्सलेट, और ये कन्वर्ट होगा मैलेट में, ये मैलेट आएगा यहां पर, और ये देखो मैलेट जो है वो जब ऑक्सलेट में कन्वर्ट होता है तो एनएडी प्लस किस में होता है, एनएडीएच में होता है, और फिर एस्पार्टेट बनेगा, एस्पार्टेट वापस जाएगा बाहर, ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैलेट बाहर से अंदर आ रहा है, मैलेट जब अंदर आ रहा है तो मैलेट फिर से ऑक्सलेट में, और यहां पर एनडीएच बना, तो आपको पता है एनएडीएच इज इक्वल टू 2.5 एटीपी और एफडीएच इज इक्वल टू 1.5 एटीपी। एक्चुअली इसको एफडीएच 2 कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल तरीके से आप यहां पर देख सकते हो कि दो टाइप के शटल है। अगर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल काम करता है तो बनता है क्या वहां पर 30 एटीपी, और अगर वहां पर मैलेट एस्पार्टेट शटल काम करता है तो बनते हैं 32 एटीपी। तो यहां पर मैलेट एस्पार्टेट शटल काम कर रहा है, मैलेट एस्पार्टेट शटल जो है वो काम कर रहा है। क्लियर, समझ में आ गया? फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन बताओ। यस सोविक, यू आर एब्सोल्युटली राइट। यस बाकी लोग जो है फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आपका सही आ गया, सही है बिल्कुल, एस और नो। यस बी क्विक, बताओ जल्दी से, एस और नो आ गया समझ में? वेरी गुड, चलो आगे बढ़े, वेरी गुड, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो है वो यहां पर आ रहा है आपके सामने, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, बी क्विक, सबको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। Yes or no? आंसर आ गया सब लोगों का, बताओ जल्दी से। यस yes. तो यहां पर पवन कह रहे कि डी होगा, ओके 29 का आंसर किसने किसने दिया है? तो शोविक कह रहे कि डी होगा, हितिका डी कह रही है, मंगल, विवेक, अनीश, सुषमा, माधुरी, राजू, तरन्नुम, अदिति, पवन, वेरी गुड गाइस, सब लोगों ने आंसर जो दिया है वो है डी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। राइबुलोज 5 फॉस्फेट एपिमरेज इज इन्वॉल्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस? ग्लाइकोलिसिस में तो पक्का नहीं होता, सारे 10 एंजाइम में पता है, पीसीए साइकिल में भी नहीं होता, और ग्लाइकोलिसिस में तो उसका कोई सवाल ही नहीं उठता, तो एक ही बचता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, और उस पाथवे में ये कहां पर काम करता है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में ये कहां पर काम कर रहा है? तो आप आराम से देख सकते हो, ये देखो राइबुलोज 5 फॉस्फेट एपिमरेज, राइबुलोज 5 फॉस्फेट एपिमरेज जो है वो काम कर रहा है इस स्टेप के ऊपर, और क्या कर रहा है, ये राइबुलोज 5 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर रहा है किसके अंदर, जाइलोज 5 फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। सो राइबुलोज 5 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू ज़ाइलुलोज, इट इज कन्वर्टेड इनटू ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट, और यहां पर जो काम करता है वो कौन काम करता है, राइबुलोज 5 फॉस्फेट एपिमरेज,
ये यहां पर काम करेगा। तो ये आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है क्या, तो वो दिख रहा है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ठीक है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो है वो आपको यहां पर दिख रहा है। क्लियर है? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, ऐसी कोई चीज जो आपको समझ में नहीं आई? वेरी गुड, ठीक है। तो 29 क्वेश्चन का आंसर जो है वो बिल्कुल सिंपल है, आंसर आप सब लोगों ने बिल्कुल सही दिया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते, 30 नंबर का एंजाइम है, क्वेश्चन है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स आर यूजुअली बायोसिंथेसाइज्ड एज लार्ज इनएक्टिव प्रिकर्सर्स नोन एज, जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते दे आर यूजुअली बायोसिंथेसाइज्ड एज लार्ज इनएक्टिव प्रिकर्सर्स नोन एज, फर्स्ट होलो एंजाइम्स, सेकेंड राइबोजाइम्स, थर्ड जाइमोजेंस, फोर्थ एपो एंजाइम्स। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फटाफट से जल्दी जल्दी बताओ, प्रोटोलाइटिक एंजाइम जो है दे आर बायोसिंथेसाइज्ड एज इनएक्टिव प्रिकर्सर, ठीक है। तो अनिश कह रहे कि आंसर सी होगा, मोनी कह रही है सी, हितिका सी कह रही है, आरजीबी सी कह रही है, सुषमा जो है वो सी कह रही है, विवेक सी कह रहे, माधुरी, पवन, अदिति, राजू, अंचिता, वेरी गुड गाइज, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आप आंसर दे रहे हो। अपर्णा, सौम्या, ये देखो आप यहां पर आराम से देख सकते हो, एंजाइम जो है पहले आपको दिख रहा है यहां पर इनएक्टिव, और जब इसका प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज होता है बाय एंजाइम तो ये हो जाता है एक्टिव। व्हाई दिस इज सो, व्हाई सम एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड एज इनएक्टिव प्रिकर्सर्स, क्यों वो हमेशा से वहां पर एक्टिव नहीं होते बाकी एंजाइम्स की तरह? इसका एक मैं अगर सिंपल एग्जांपल आपको दूं तो सिंपल एग्जांपल ये कि यूजुअली क्या होता है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम्स है उनको हम इनएक्टिव प्रिकर्सर में वहां पर सिक्रिय करते हैं, और जब एक्चुअल में फूड आता है डाइजेस्ट करने के लिए तो हम उसको क्या करते हैं, इनएक्टिव से एक्टिव मिलाते हैं, तब तक के लिए वो जाइमोजेंस की फॉर्म में होते हैं। इवन अगर हम इम्यून सिस्टम की बात करें, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन की बात करें, कॉम्प्लीमेंट पाथवे में कॉम्प्लीमेंट के प्रोटीन वहां पर इनएक्टिव फॉर्म में ही होते, जब उनका प्रोटीलिटिक क्लीवेज होता है तो वो कौन सी फॉर्म में आते, एक्टिव फॉर्म में वहां पर आ जाते हैं। तो एक तरीके से आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, जाइमोजेंस, ठीक है, क्लियर है, एस और नो, प्रोएंजाइम्स भी कह सकते हो उसको, यस यू आर राइट, क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें, एस और नो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिंपल सा है, द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन ऑल्सो कॉल्ड एन ऑक्सोनियम आयन, कार्बोकैटायन और ऑक्सोनियम आयन अकर्स ड्यूरिंग द रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय, ठीक है, कार्बोकैटायन ऐसा कार्बन जिसके ऊपर प्लस चार्ज है और मान लो कि वो बाकी जगह पर हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, ठीक है, और यहां पर उसके ऊपर प्लस चार्ज है। अब कार्बोकैटायन और ऑक्सोनियम आयन इसमें से कौन सा वाला एंजाइम जो है वो यहां पर प्रोड्यूस करेगा, पहला ऑप्शन अल्डोलेज, दूसरा लाइसोजाइम, तीसरा राइबोन्यूक्लियस और फोर्थ इज कार्बोक्सी पेप्टिडेज। यस, वेरी गुड पवन, सुषमा, अदिति, अपर्णा, व्हाट अबाउट अदर्स, बी क्विक गाइस, फटाफट से आंसर करो। यस, जल्दी जल्दी आंसर करो। अनिश डी कह रहे, सुषमा डी कह रहे, व्हाट अबाउट अदर्स, व्हाट अबाउट अदर्स, बी क्विक। यस, अंचिता कह रही है डी होगा, अदिति कह रही है डी होगा, विवेक कह रहे डी होगा, वन मोर टाइम, सारे लोग यहां पर गलत कर रहे, क्यों, कार्बोकैटायन तो क्या कार्बोक्सीपेप्टिडेज से होगा क्या, कैटायन की तरह बिहेव कर रहा है कार्बन, लाइसोजाइम इज द करेक्ट आंसर, जहां पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं
तो उस जगह पर हमें यहां पर क्या देखने को मिलता है, कार्बोकेटाइन और ऑक्सीनियम आयन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। डायग्राम के थ्रू आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है, इस जगह पर डायग्राम के थ्रू आप यहां पर देख सकते हो कि किस तरीके से कार्बोकेटाइन रिएक्शन जो है वो कैटलाइज कहता है, और इनको यूजुअली SN1 मैकेनिज्म के रिएक्शंस भी जो है वो कहते हैं। तो हितिका यस नो, हितिका रॉन्ग हो गया, सोविक रॉन्ग हो गया, अमरजीत इसने भी सही नहीं दिया, सिर्फ ए सबने ए या डी दिया है, बी आंसर किसी का नहीं। अदिति ने अब जाके बी आंसर दिया है, अदिति वेरी गुड, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा यहां पर इन चीजों को समझ लेना है, करेक्ट ऑप्शन जो है आपका वो क्या है, बी है, ठीक है, समझ गए, वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूशंस इज लाइकली टू कॉज द लार्जेस्ट चेंज इन प्रोटीन कन्फर्मेशन, ठीक है। हमें पता है प्रोटीन का एक थ्री डायमेंशनल कन्फर्मेशन होता है, और उसमें अमीनो एसिड का सीक्वेंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटीन का एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर वहां पर फॉर्म करने के लिए। अब अगर हम कुछ अमीनो एसिड्स को सब्स्टिट्यूट करें, फॉर एग्जाम्पल पहला ऑप्शन जो है फिनाइल अलानीन आइसोल्यूसिन में, अगर हम फिनाइल अलानीन की जगह आइसोल्यूसिन लाए, हम सेरीन की जगह थ्रियोनिन लाए, हम ग्लूटामिन की जगह टायरोसिन लाए, या ग्लूटामेट की जगह हम वैलिन लाए, तो इसमें सबसे ज्यादा चेंज जो है वो कौन सा अमीनो एसिड लेके आएगा, मतलब कौन सा सब्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा चेंज लेके आएगा, ये हमें यहां पर देखना है, ठीक है। तो मैक्सिमम चेंज जो है वो कौन लेके आएगा, तो उसके लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर पोलार अमीनो एसिड की जगह नॉन पोलर आ गया, ठीक है, अगर निगेटिवली चार्ज की जगह पॉजिटिव चार्ज आ गया, और वाइस वर्सा नॉन पोलर की जगह पोलर आ गया, और पॉजिटिवली की जगह निगेटिवली चार्ज्ड और पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड की जगह निगेटिवली चार्ज्ड आ गया, तो लार्ज चेंज आता है पोलार की जगह नॉन पोलार, नॉन पोलार की जगह पोलार, निगेटिव चार्ज की जगह पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज की जगह निगेटिव चार्ज, तो मेजर चेंज आता है। अगर पोलार की जगह पोलार ही आ गया, नॉन पोलार की जगह नॉन पोलार ही आ गया, पोलार की जगह पोलार, नॉन पोलार की जगह नॉन पोलार, हाइड्रोफोबिक की जगह हाइड्रोफोबिक आ गया, या हाइड्रोफिलिक की जगह हाइड्रोफिलिक आ गया, तो चेंज जो है वो यूजुअली नहीं आता, और मेरी माइनर चेंज और नो चेंज कह सकते हैं, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं करता, डज नॉट अफेक्ट द कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, सो वेरी स्मॉल चेंज और नो चेंज, ठीक है, बहुत कम चेंज आ सकता है। अब बताओ आंसर क्या है, तो यहां पर आंसर जो है वो दिया है 32 का आंसर दिया है डी, अंचिता वेरी गुड, अदिति राजू मोनी अमरजीत अनीशा बहुत बढ़िया गाइस, ग्लूटामेट की जगह अगर वैलिन आ गया, निगेटिवली चार्ज्ड की जगह ग्लूटामेट एस्पार्टेट निगेटिव चार्ज है, अगर उसकी जगह वैलिन आ रहा है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो डेफिनेटली लार्ज चेंज यहां पर आ रहा है। अब यहां पर हमने अमीनो एसिड का चार्ट देखो, इस चार्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पर बोला है फिनाइल अलानीन एंड आइसोल्यूसिन जो है वो आपको बोला है, तो ये फिनाइल अलानीन है
और ये आइसोल्यूसीन है, तो लगभग दोनों भी हाइड्रोफोबिक नेचर के हैं। उसके बाद सेरीन थ्रियोनिन आ रहा है, दोनों भी पोलार है, सेरीन थ्रियोनिन दोनों भी क्या है, पोलार है। उसके बाद आ रहा है ग्लूटामीन एंड टायरोसिन, ये ग्लूटामीन आ रहा है यहां पर पोलर अनचार्ज्ड, और ये टायरोसिन, ज्यादा कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ग्लूटामेट जो कि यहां पर एक चार्ज्ड ग्रुप है, और वो वैलिन जो कि एक हाइड्रोफोबिक है, ये अगर आप यहां पर देखोगे तो चेंज जो है वो मेजर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है। समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट द लिपिड मॉइटी इन लिपिड लिंक्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, लिपिड लिंक मेम्ब्रेन प्रोटीन के अंदर कौन सा ऐसा है जो यहां पर क्या नहीं करता, लिपिड लिंक नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो ये आपका मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये मेम्ब्रेन है, तो यहां पर ये आपको लिपिड्स दिख रहे हैं। ये मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड्स का बायलेयर बन रहा है। तब तक फटाफट से आप आंसर देने की कोशिश करो। यस, बी क्विक, आंसर करने की कोशिश करो। ये ऐसा है, और अगर यहां पर लिपिड लिंक्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन है तो ये कोई लिपिड है और इसके ऊपर कोई ऐसा प्रोटीन जुड़ा हुआ है, तो लिपिड लिंक्ड प्रोटीन है। ठीक है, 33 का आंसर माधुरी कह रही है सी होगा, अंचिता सी कह रही है, संजय जो है वो बी कह रहे, तरन्नुम सी कह रहे, पवन सी कह रहे, पूजा कह रही बी होगा, अदिति सी कह रही है। ठीक है, तो यहां पर मोनी, सोविक, AW, अपर्णा, आप लोगों आंसर बिल्कुल सही है। स्टेरिक एसिड जो है उससे कोई लिपिड लिंक्ड प्रोटीन नहीं होता, और ये तो हमारे सेल बायोलॉजी में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। एक होता है एन मिरिस्टोइलेशन, पाल्मिटोइलेशन होता है, तो मिरिस्टोइलेशन कौन करता है, मिरिस्टिक एसिड करता है। पाल्मिटेशन कौन करता है, पाल्मिटिक एसिड करता है। फर्नेसाइलेशन कौन करता है, फर्नेसिल ग्रुप करता है, तो फर्नेसिल, मेरिस्टिक एंड पाल्मिटिक एसिड। तो स्टेरिक जो है यहां पर वो जो है स्टेरिक एसिड, ये स्टेरिक एसिड आपको यहां पर दिख रहा है जो कि नहीं करता। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, एस और नो, क्लियर है यहां तक सारी चीजें, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड अपूर्णा। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन गेट के बायोकेमिस्ट्री के सेक्शन में आते हैं। नाउ नेक्स्ट, इक्लोज सर्कुलर BDNA 4000 बेस पेयर इज निगेटिवली सुपर कॉइल्ड। ठीक है, पॉजिटिवली सुपर कॉइल हो सकता है, निगेटिवली सुपर कॉइल हो सकता है, ये रिलैक्स्ड हो सकता है। सो क्लोज सर्कुलर डीएनए ऑफ 400 बेस पेयर्स इज निगेटिवली सुपर कॉइल्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ फोर रिट्स का वहां पर क्या हुआ है, इंट्रोडक्शन हुआ है। द सुपर हेलिकल डेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट डीएनए मॉलिक्यूल विल बी, तो सुपर हेलिकल डेंसिटी अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दैट इज डेल्टा एल के अपॉन एल के, दैट इज लिंकिंग नंबर, और यहां पर ये इनिशियल वाला होगा। ठीक है, सो अगर हम पहले यहां पर देखें एल के तो वो कितना है, 4000 है, मतलब सिंपल से आपको यहां पर क्या करना है, तो नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कितने आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, टोटल आपके कितने हैं, 4000 बेस पेयर है,
और आपको पता है वन टर्न में कितने होते, 10 to 10.5 होते। अगर बी फॉर्म का डीएनए पकड़ू तो बी फॉर्म के डीएनए के अंदर 10 बेस पेयर्स होते और उसी को हम कहते 10.5 बेस पेयर होते। कुछ जगह पर 10 कहते, कुछ जगह पर 10.5 बेस पेयर कहते। तो हर टर्न में ऐसे कितने टर्न होंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल से यहां पर 4000 डिवाइडेड बाय हमें क्या करना पड़ेगा, 10.5 करना पड़ेगा, या 10 कर सकते हो, 4000 डिवाइडेड बाय 10 या 10.5। तो ये अप्रोक्सीमेटली आपको 380 आ रहा है, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है, 380 आ रहा है। अब उसके बाद जो हमारा लिंकिंग नंबर होता है, ठीक है, उसको अगर हमें निकालना है तो लिंकिंग नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, ट्विस्ट प्लस क्या होते हैं वहां पर, रिट्स होते हैं। लिंकिंग नंबर इज इक्वल टू ट्विस्ट प्लस वहां पर क्या होंगे, रिट्स होंगे। सो अगर हमारे पास ये 380 आ गया तो ये हमारा फाइनल कैसे होगा उसको देखते हैं। इस 380 में से आप ये क्या करो, 4 जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। सो 380 माइनस यहां पर आप क्या करोगे, 4 करोगे, तो आपका यहां पर आ जाएगा 376। ये हो गया आपका फाइनल, ये क्या हो गया आपका फाइनल हो गया। अब आपको निकालना है डेल्टा एल के, तो डेल्टा एल के इज इक्वल टू जो हमारा एल के फाइनल है माइनस एल के इनिशियल, एल के नॉट मतलब एल के इनिशियल। तो डेल्टा एल के फाइनल कितना था, 376, और माइनस जो हमारा एल के फाइनल कितना था, वो था हमारा 380। एस और नो, तो यहां पर आपका डेल्टा एल के जो है वो कितना आएगा, माइनस 4 आएगा। और आपका फॉर्मूला क्या है, तो सुपर हेलिकल डेंसिटी, सुपर हेलिकल डेंसिटी इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन आपका ये कितना आ जाएगा, 380। इनिशियल में आपका इतना था, इसको सॉल्व करो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, यस और नो, चलो फटाफट से करो सॉल्व। ठीक है, आ गया, यस, तो कितना आएगा, फटाफट से बताओ। लिंकिंग नंबर क्या होता है, ट्विस्ट प्लस रिट होता है ना, एस और नो, लिंकिंग नंबर जो है वो ट्विस्ट प्लस रिट होता है। ट्विस्ट कितने आपके पास, 380, ये आपका ट्विस्ट है, और रिट्स कितने आपके पास, 4 है, वेरी गुड। तो यहां पर हितिका ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, 0.01 माइनस 0.01, दिस इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। तरन्नुम, अदिति के रिपीट करो, सिंपल अदिति, देखो हमारे पास 4000 बेस पेयर का निगेटिवली सुपर कॉइल डीएनए है जिसके अंदर 4 रिट्स है, तो सुपर हेलिकल डेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट डीएनए मॉलिक्यूल विल बी, सुपर हेलिकल डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एल के अपॉन एल के नॉट, ये फॉर्मूला है। सबसे पहले आप देखो यहां पर कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने होते हैं,
वो हमें देखना है। उसके पहले जो लिंकिंग नंबर है उसका फॉर्मूला होता है ट्विस्ट प्लस रीट। अब हमें क्या निकलना है, सबसे पहले टर्न्स कितने, ये ऐसा एक हेलिकल टर्न जो होता है डीएनए का, तो उस एक हेलिकल टर्न में कितने बेस पेयर्स होते हैं, 10 या 10.5 बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो 4000 बेस पेयर से, तो उस 4000 बेस पेयर्स में कितने टर्न्स होंगे, कितने ट्विस्ट होंगे, तो डिवाइडेड बाय हमने 10.5 कर दिया तो 380 हमें ट्विस्ट मिल गए, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर ये लिंकिंग नंबर आपको निकालना है। अभी के लिए आपको क्या निकालना है, सुपर हेलिकल डेंसिटी, ये इसका आपका फॉर्मूला है, ठीक है, सुपर हेलिकल डेंसिटी का। अब सिंपल से क्या करो, आपको इसमें बोला है कि फोर रिट्स इंट्रोड्यूस हुए, ठीक है, इज नीडली सुपर कॉइल्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ फोर रिट्स, फोर रिट्स उसमें इंट्रोड्यूस हुए, तो 380 में आपको क्या करना पड़ेगा, फोर माइनस करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 376। तो ये 376 आपका आ गया क्या, फाइनल। तो ये आपका फाइनल है, लिंकिंग नंबर फाइनल। इनिशियल क्या था आपका 380, आपने फाइनल कैसे निकला, इनिशियल 380 था, उसमें फोर रिट्स इंट्रोड्यूस हो गए, तो क्या हो गया 376। फिर आप डेल्टा एल के कैसे निकालोगे, डेल्टा एल के निकालने का फॉर्मूला है एल के फाइनल माइनस एल के नॉट, ठीक है। तो एल के फाइनल माइनस एल के नॉट, तो 376 माइनस 380, तो यहां पर डेल्टा एल के क्या आएगा, माइनस फोर, ठीक है। तो अब आपको सिंपल सा फॉर्मूला सुपर हेलिकल डेंसिटी का, डेल्टा एल के इसकी वैल्यू क्या है, माइनस फोर अपॉन डेल्टा सॉरी अपॉन एल के इनिशियल दैट इज 380, तो क्या आएगा वैल्यू, माइनस 0.01, ठीक है, क्लियर है, एस और नो, समझ में आ गया, वेरी गुड। विलियम सैमुअल, हेलो हाउ आर यू, कैसे हो आप। विनी, हैप्पी टू सी यू सर, यस विनी, थैंक यू सो मच, आपको भी यहां पर देख के अच्छा लग रहा है। तारानुम 10.5 की जगह 10 भी ले सकते, यस तारानुम ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, 10 भी ले सकते, और 10 लेंगे तो यहां पर अगर 10.5 की जगह 10 लेंगे तो क्या आएगा, 400 आएगा, तो कोई इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 10 भी ले सकते। तरुणा चौहान कह रही, सर आप प्लीज रिकमेंड डीएनए टिक टेक पढ़ाओ प्लीज, यस मैं कोशिश करूंगा। लेटेस्ट एडिशन में 10.5 दिया है, पहले 10 था तरानुम, यस माधुरी वेरी गुड, पूजा बहुत बढ़िया, अदिति वेरी गुड, एक्सलेंट सर एकदम क्लियर, वेरी गुड स्नेहा श्रीदास, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। अगर आपको ये समझ में आ गया तो गाइज लाइक करो, सेशन को लाइक करो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, इतना सिंपल से इतना अच्छे से आप लोगों के लिए यहां पर एफर्ट्स डाल रहे, तो फटाफट से जल्दी यहां पर लाइक करो। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, कितना इजी क्वेश्चन है, पूछा है कि कौन सा रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज नहीं है, ठीक है। फर्स्ट, प्लेटलेट डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, सेकेंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, थर्ड मैक्रोफाज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर रिसेप्टर, फोर्थ ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा रिसेप्टर, ठीक है। अपर्णा बहुत जल्दी सीरीज स्टार्ट करेंगे कोई, तो डोंट वरी अबाउट दैट, मैं भी बहुत ज्यादा मतलब एक्साइटेड हूं कि कोई यूट्यूब पे सीरीज स्टार्ट करे, बहुत टाइम से मैंने कोई सीरीज वहां पर नहीं की है, ठीक है। चलो फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, इसमें से कौन सा रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज नहीं है। पहला प्लेटलेट डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, ये तो है हमें पक्के से पता है, इसको MPDGF कहते हैं, प्लेटलेट डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर क्या होता है तो हमें अच्छे से पता है ना, ये अगर मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये साइटोसोल है, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, तो यहां पर टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर जो होता है वो टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर के साइटोसोलिक पोर्शन में काइनेज एक्टिविटी देखने को मिलती है।
तो इस जगह पर यहां पर हमें देखने को मिलती है टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। तो इस जगह पर हमें क्या देखने को मिलता है टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। इंसुलिन एक ग्रोथ फैक्टर वो तो है ही, हमें पता है ग्लूकेगॉन जो है वो जीपीसीआर से बिलोंग करता है और इंसुलिन जो है वो टायरोसिन रिसेप्टर काइनेज से बिलोंग करता है। अब मैक्रोफाज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर रिसेप्टर और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा रिसेप्टर ये तो सीधा सीधा सेरीन थ्रियोनिन काइनेज रिसेप्टर है। दिस इज सेरीन थ्रियोनिन काइनेज रिसेप्टर। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है और आपको नॉट ही पूछा है, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है, क्लियर है? यस, यू गाइज आर एब्सोल्यूट राइट। यहां पर इस डोमेन में क्या होती है टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है। क्लियर, समझ में आ गया? एस और नो? ठीक है विनी, इतना डिटेल में भी पूछा जाता है। यस हाँ, विल्सन कह रहे सर यू मेक थिंग्स रियली वेरी इजी। विल्सन थैंक यू। एस टी काइनेज रिसेप्टर, वेरी गुड, क्लियर, बहुत बढ़िया। तो इतना सिंपल तरीके से यहां पर आपको पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा डी। ये देखो ये रिसेप्टर है, कौन सा रिसेप्टर है हमारा, तो ये हमें दिख रहा है पर TGF, और ये इसका जो SMAD23 को फॉस्फेट करता है न्यूक्लियस में जाके जीन्स का एक्सप्रेशन यहां पर करता है। इतना डिटेल में आपको नहीं करना है, बस इतना देखना है यहां पर कि कौन सा जो है वो टायरोसिन काइनेज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, इतना इजी क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो, कुछ भी डिफिकल्ट इसमें है नहीं, बहुत आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, यहां पर चमन कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया, वेलकम चमन। दीप्ति कह रही है सर सारी क्लासेस फ्री है या कुछ पेड भी है, फर्स्ट टाइम अटेंड कर रही हूं। दीप्ति हमारी ऐप के अंदर जो है वो पेड क्लासेस है। ठीक है, ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। बताओ जल्दी से, फटाफट से आंसर इसका क्या होगा। यस गाइस, बी क्विक, फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ कि करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा। मैच द एंट्रीज इन कॉलम वन विद दोज इन कॉलम टू। गायत्री आपने बहुत लेट सेशन ज्वाइन किया। यस गायत्री, वेर वेर यू, टाइम पे आना है आप सब लोगों को, 10 बजे का हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था। Yes, बताओ जल्दी से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। 36 का निशा कह रही ए होगा, संजय कह रहे बी होगा, हितिका बी कह रही है, गायत्री बी कह रही है, अनिश ए कह रहे, अदिति बी कह रही है, पल्लवी कह रही है कि बी होगा। मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग आंसर इज बी, लेकिन अब बहुत सारे लोग ए भी कह रहे हैं, तो ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ पीपल आर सेइंग ए एंड बी। लेट मी सी, सबसे पहले अगर मुझे यहां पर कुछ दिख रहा है, ठीक है, तो मुझे सबसे सिंपल क्या दिख रहा है, टीसीए साइकिल में एक एंजाइम काम करता है जो मुझे बहुत अच्छे से पता है, और वो है एकोनिटीज। तो आर का होना चाहिए 2, ठीक है, तो आर का 2 यहां पर है, आर का 2 यहां पर है। जितने भी लोगों ने 1 या 2 कहा है, ठीक है, उनमें से बहुत सारे लोगों का सही है, अब 1 और 2 में यहां पर है। अब मेरे पास और एक है वाइटामिन B1, ये तो मुझे पता है पक्के से थायमिन पाइरोफॉस्फेट है, ठीक है, तो P का आना चाहिए 1, बात यहीं पर खत्म होती है, P का 1, आंसर 1 इज करेक्ट, P का 5 नहीं आ सकता। कार्बोक्सीपेप्टाइड का 4 AS, जिंक इसके लिए रिक्वायर्ड है इसके एक्टिविटी के लिए, और S का 6 है, सुक्रोज तो हमें पता है प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है, तो सुक्रोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और इंटेंशनली प्लांट के अंदर हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर को ट्रांसपोर्ट करते, रिड्यूसिंग शुगर को हम ट्रांसपोर्ट नहीं करते, ये हमें अच्छे से पता है। तो 36 का आंसर जो है वो फर्स्ट होगा। कितने सिंपल तरीके से आप यहां पर क्वेश्चंस का आंसर जो है वो दे सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहां पर? एस और नो,
ओके, तो इस तरीके से 36 का जो हमने आंसर दिया है वो है फर्स्ट। वेरी गुड, सुक्रोज से हो जाता है, बिल्कुल बढ़िया तारानुम, ठीक है, वो भी बहुत सिंपल तरीका है। देखो हमारे पास भले ही कितना भी नॉलेज हो, अगर अल्टीमेटली हम उस नॉलेज को मार्क्स गेन करने के लिए अगर यूज नहीं करते तो फिर वो नॉलेज हमारे ज्यादा काम का नहीं है। अल्टीमेटली किसी भी तरीके से आपको मार्क्स लाने हैं, ठीक है, तो वाइजली यूज करो आपका नॉलेज। ये भी देखो, अब ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। द फॉलोइंग टेबल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फोर प्रोटीन्स, ठीक है, नीचे कुछ हमें प्रोटीन्स दे रखे और वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं फोर प्रोटीन्स के बारे में, ठीक है। द फॉलोइंग टेबल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फोर प्रोटीन्स, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हो प्रोटीन जो है पी क्यू आर एस है, ठीक है, ये प्रोटीन है पी क्यू आर एस। इसमें नेटिव मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 32, 40,000, 25,000, 45,000 और टाइप दे रखा है मोनोमर, होमोडाइमर, मोनोमर, होमोट्राइमर और यहां पर पी आई वैल्यू दे रखी है, ठीक है, इसकी क्या दे रखी है पी आई वैल्यू। और पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली आइडेंटिफाइज द ऑर्डर ऑफ इल्यूशन साइज इन इल्यूशन इन साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, तो एक साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं, एंड द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोबिलिटी इन एसडीएस पॉलीक्रोमाइल जेनरेटरीज इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये क्वेश्चन बहुत स्मार्टली आपको हैंडल करना है। कुछ लोग छोड़ देंगे ये पीआई का क्या है, कैसे करें, पीआई तो हमें पता है, पीआई इज द पीएच वेयर नेट चार्ज ऑन प्रोटीन इज जीरो, ठीक है। तो पी के ऊपर जीरो चार्ज कब होगा, जब पीएच 6.4 होगा। क्यू के ऊपर कब होगा, जब पीएच 8.5 होगा। आर के ऊपर कब होगा, जो पीएच 4.9 होगा। और एस के ऊपर कब होगा, जो पीएच 8.5 होगा। अब इसका आंसर देना है आप सब लोगों को, ठीक है। सो यहां पर अदिति ने कहा है क्लियर है, ओके। बाकी लोकमान कह रहे डी होगा, चमन कह रहे डी होगा, निशा, विवेक, विवेक बेटा निशा कह रही ए और विवेक कह रहे बी, गायत्री भी बी कह रही है, ओके, विल्सन कह रहे डी, वैष्णवी बी कह रही है, विनी डी कह रही है, पूजा ये बी डी क्यों आपको यहां पर इतनी डिफिकल्टी आ रही है गाइस, क्यों इतना दिक्कत आ रहा है आपको यहां पर, यस आराम से होना चाहिए ना इसको, ठीक है। सबसे पहले देखो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, साइज के बेसिस पे हम इसको क्या करते एक्सक्लूजन करते हैं, इसका साइज के बेसिस के ऊपर। ये आपको पता है कि ऐसा एक कॉलम होता है, इस कॉलम के अंदर आपने बीड को लगाया होता है, ठीक है, ऐसे कॉलम है और इस कॉलम के अंदर आपने बीड को लगा के रखा है, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी जो है वो आप यहां पर परफॉर्म कर रहे हैं। तो हियर वी आर परफॉर्मिंग साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, तो हम साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी यहां पर कर रहे हैं। आपको पता है जिसकी साइज बड़ी होगी वो सबसे पहले इल्यूट आउट होगा, सबसे पहले बाहर कौन यूनिट आउट होगा, तो जो लार्जर साइज के मॉलिक्यूल है वो सबसे पहले यूनिट आउट होंगे, सबसे पहले बाहर आएंगे। अब यहां पर भले ही इन्होंने कहा है मोनोमर, होमोडाइमर, मोनोमर है, होमोट्राइमर, मुझे नहीं लगता कि साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में आपको इसको देखना चाहिए कि होमोमर है, डाइमर है, ट्राइमर है, क्योंकि तो साइज एक्सक्लूजन में आप किसी को ट्रीट नहीं करते, किसी से भी सीधा नेटिव फॉर्म में प्रोटीन वहां पर डालते हो, और नेटिव फॉर्म में प्रोटीन डाला तो आपको पता है कि जो सबसे बड़े साइज का मॉलिक्यूल होगा, जिसका मॉलिक्यूल वेट सबसे ज्यादा होगा 45,000 डाल्टन, वो पहले आएगा। तो पहले कौन आएगा, सबसे पहले यहां पर कौन आएगा, ये सबसे पहले कौन आएगा, एस आएगा। एस के बाद कौन बड़ा है, क्यू आएगा। क्यू के बाद कौन आएगा, पी आएगा। और P के बाद कौन आएगा,
डेफिनेटली आर आएगा। तो एस क्यू पी आर यहां पर ये मेरे हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। यस तारानम बिल्कुल सही बात है, क्रोमेटोग्राफी में लार्ज साइज पहले इल्यूट होगा और इलेक्ट्रोफोरेसिस में स्मॉल साइज फास्ट मूव करेगा, बिल्कुल सही बात है। तो एस क्यू पी आर, एस क्यू पी आर, आर पी क्यू एस ये गलत है, पी आर एस ओ गलत है। अब ये जो है हमारा ये और ये वन और फोर्थ में हमें कंफ्यूजन है, ठीक है, ये तो सही है। अब ये पी आर ओ क्यू एस होगा या आर पी क्यू एस होगा वो हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहां पर देखना है कि इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये पी आई वैल्यू है। अब इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 25,000 वाला जो है वो सबसे छोटा है, लेकिन उसका पी आई वैल्यू जो है वो क्या है, 4.9 है। 4.9 मतलब क्या, इस पीएच पर आके क्या हो जाएगा, वो उसके ऊपर चार्ज हो जाएगा। और इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें पता है हमने यहां से प्रोटीन लोड किया तो वो यहां पर पॉजिटिव एंड की तरफ आता है, यहां पर निगेटिव मानो निगेटिव से पॉजिटिव माइग्रेट करता है। और एसडीएस का काम क्या है, तो एसडीएस जो है वो सारे प्रोटीन के ऊपर निगेटिव चार्ज इंपार्ट करेगा, ठीक है, निगेटिव चार्ज जो है वो इंपार्ट करेगा। अब यहां पर 4.9 पीएच यहां पर है, इसका मतलब ये जो है इसका यहां पर क्या हो जाएगा, पीएच जो है उसका पी आई वैल्यू 4.9 है, इसका मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर वहां पर जीरो चार्ज आएगा। लेकिन यूजुअली जो हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं उसका पीएच आपको यहां पर ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहां पर देखो ये जो पी है उसका पी आई वैल्यू 6.4 है, मतलब 6.4 तक उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज, और 6.4 पे आएगा तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा, वहां पर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्योंकि आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस में सिर्फ साइज के ऊपर नहीं देखना है, आपको वहां पर चार्ज भी कंसिडर करना है, चार्ज भी देखना है आपको वहां पर, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले आपका जो आएगा वो क्या आएगा, पी आएगा, ठीक है। पी के बाद ये 32,000 भले ही है यहां पर डाल्टन, लेकिन आपका यहां पर पी आई वैल्यू जो है वो 6.4 है तो वो आएगा पहले। पी के बाद यहां पर कौन आएगा, आर, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर कम है लेकिन पी आई इसका 4.9 था इसलिए वो जल्दी उसके ऊपर क्या आ रहा था, जीरो चार्ज आ रहा था। अब उसके बाद तो आपको पता ही है 40 और 45 में, क्योंकि दोनों का पी आई सेम है 8.5 8.5, तो पहले 40 वाला आएगा और उसके बाद 45 वाला आएगा, तो पी आर क्यू एस जो है वो आ जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, समझे। अब आप कहोगे सर हमने तो यहां पर ये देखा कि 32,000 है किसका, पी का, और उसका पी आई वैल्यू 6.4 है, लेकिन 25,000 है हमारे किसका, आर का, और इसका 4.9 है, तो 4.9 पीएच पे ही यहां पर क्या आता है, चार्ज जीरो आता है। अगर यहां पर चार्ज जीरो आ गया 6.4 पे, यहां पर चार्ज क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहां पर अगर जीरो आ गया तो वहां से आगे मूवमेंट नहीं होगी, वहां से आगे मूवमेंट रुक जाएगी, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो हम एक ग्रेडियंट है, मतलब एक माइनस यहां पर और यहां पर प्लस है, तो माइनस से हम प्लस की तरफ जा रहे हैं तो चार्ज इंपॉर्टेंट है, लेकिन 4.9 पे ही यहां पर चार्ज क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। यहां पर 6.4 पर चार्ज क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो इसके कंपेयर में ये थोड़ा सा ज्यादा माइग्रेट करेगा, मर मूव करने की कोशिश करेगा। तो आपको यहां पर बोला है एंड द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोबिलिटी इन द पॉली एक्रिल अमाइल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब यहां पर आपको इंक्रीजिंग देखना है, ठीक है। अब इंक्री तो वही ना रमसा, आप कह रहे हो कि यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म चार्ज तो होगा, अब चार्ज से वो आगे जा रहे, लेकिन ध्यान रखना बेटा कि वहां पर मॉलिक्यूलर वेट भी है, सिर्फ एक फेनोमेनन थोड़ी है, मॉलिक्यूलर वेट भी हम वहां पर कंसिडर कर रहे हैं। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम देखें तो सबसे पहले कौन जाएगा, ऑब्वियसली यहां पर हमारा जो 8.5 वाला है, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ओह सॉरी ये वाला, और फिर 4.9 वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर पी जो है वो जाएगा,
देन आर देन क्यू एंड देन यस. क्लियर? ऐसे ऐसे इंक्रीज हो रही है उनकी मोबिलिटी. नेक्स्ट, सिंपल से यहां पर अगर हम देखें एक न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन जो है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. द प्रेडिक्टेड मोलार एक्सटेंशन कोएफिशिएंट एट 280 नैनोमीटर फॉर द पेप्टाइड आनंद मॉलिक्यूलर वेट अगर ज्यादा है, लेकिन वहां पर सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट के क्राइटेरिया से हम आगे नहीं बढ़ रहे, मॉलिक्यूलर वेट के साथ साथ हमें पीआई भी कैसे करना पड़ेगा. अगर मान लो आपका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, मान लो ठीक है मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, वो धीरे धीरे से मूव तो कर रहा है एटलीस्ट, लेकिन अगर पीआई आ जाएगा तो वहीं पर मूवमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. पीआई वैल्यू पे मूवमेंट क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. आगे कैसे बढ़ेगा वो, ये ध्यान रखना आप थोड़ा सा. द प्रेडिक्टेड मोलार एक्सटेंशन कोएफिशिएंट एट 280 नैनोमीटर फॉर द पेप्टाइड, ये पेप्टाइड है ठीक है, मोलार एक्सटेंशन कोएफिशिएंट फॉर फिनाइल अलानिन ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन एट 280 नैनोमीटर आर 200 देन 5600 एंड 1400. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, फिनाइल अलानिन है. चलो कोशिश करो ये वाला, फिनाइल अलानिन है, देन ट्रिप्टोफैन है और देन टायरोसिन है. ठीक है, फिनाइल अलानिन को हम एफ कहते हैं, ट्रिप्टोफैन को हम डब्ल्यू कहते हैं, टायरोसिन को हम वाई कहते हैं. ठीक है, अब इनका जो एब्जॉर्बेंस है, मोलार एक्सटेंशन कोएफिशिएंट फॉर फिनाइल अलानिन, तो इनका मोलार एक्सटेंशन कोएफिशिएंट जो है एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन एल सी, ये होता है फॉर्मूला मोलर एक्सटेंशन का, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन एल सी, ये हमारा फॉर्मूला होता है. ठीक है, तो फिनाइल अलानिन का कितना है, तो वो है 200. देन हमारा ट्रिप्टोफैन का कितना है, वो है 5600. देन हमारा टायरोसिन का कितना है, तो वो है 1400. क्लियर? अब गाइस ये देखो, इस पूरे पेप्टाइड में कितने फिनाइल अलानिन है वो देखो. तो ये हमें एक दिखा एफ, उसके बाद यहां पर दूसरा है, उसके बाद तीसरा है, देन हमें दिख रहा है तीन, ये दिखा चार. ठीक है, टोटल मुझे यहां पर चार बार फिनाइल दिख रहा है, तो इंटू फोर होगा. ठीक है, एस और नो, इंटू क्या होगा, फोर होगा. चार बार दिख रहे, फिर से एक बार चेक करते, वन टू थ्री, उसके बाद यहां पर फोर, चार ही दिख रहा है. अब अगर मैं ट्रिप्टोफैन की बात करूं तो डब्ल्यू कितने दिख रहे मुझे, डब्ल्यू में अगर मैं देखूं तो डब्ल्यू में वन, देन डब्ल्यू में टू, ठीक है मुझे दो ही दिख रहे हैं. आपको कितने दिख रहे हैं वो भी मुझे बताओ. मुझे वाई कितने दिख रहे हैं, तो वाई जो है वो मुझे दिख रहे हैं, कितने वाई दिख रहे हैं यहां पर, यस तो ये एक दिख रहा है, ये दो दिख रहे हैं, और y जो शायद है तीन दिख रहे हैं मुझे. y कितने दिख रहे, थ्री, यस. अब बताओ कितने हो जाएंगे, यस तो 200 इंटू फोर, तो ये 800 हो जाएंगे, 5600 तो ये 11000 शायद से 200 हो जाएंगे, यस वेरी गुड. और ये कितने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे. ठीक है, यस वेरी गुड गायत्री, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, तो इनका बस सम करना है, इनका सम करो, वो आपका आंसर है. 800 प्लस 11200 तो हो गए 12000, 12000 प्लस 4000 दैट इज 16000, तो हो गया 16200. बताइए मुझे, दो मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, क्या जाता है आपको टू मार्क्स लेने में, कुछ भी नहीं जा रहा है आपका.
बहुत आराम से आप यहां पर 2 मार्क्स जो है वो लेके जा रहे हो। इससे सिंपल क्या हो सकता है, तारानम बेटा गलत कर दिया, कहां पर गलत हो वो भी देखो, सिंपल सा कैलकुलेशन है, बिल्कुल आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यस, व्हाट अबाउट अदर्स? फटाफट से जिन लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से सेशन को लाइक करो। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ना एप्सिलॉन एफ प्लस एप्सिलॉन डब्ल्यू प्लस एप्सिलॉन वाई इज इक्वल टू, ऐसा फॉर्मेट लिख सकते हैं मोलार एक्सटेंशन कोएफिशिएंट के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? एस और नो कमेंट सेक्शन में मुझे फटाफट से बताओ यहां पर। यस, बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में फटाफट से क्या होगा करेक्ट आंसर। पूजा, वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, आ गए समझ में? यस श्रद्धा, वेरी गुड। तरन्नुम, गायत्री, वेरी गुड। अदिति, माधुरी, तरन्नुम, यार इतना अच्छा कर रहे हैं हम, इतना बढ़िया तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं, आप एक लाइक नहीं कर सकते क्या? क्या दिक्कत है आपको लाइक देने में? दिनेश, बहुत लेट ज्वाइन किए हो आप, वाई, कहां पर थे अभी तक? यस, वेरी गुड पल्लवी, आनंद, रामसा। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जिसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैच द कंटेंट्स ऑफ कॉलम वन विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन कॉलम। ठीक है, जो कॉलम वन है उसको हमें मैच करना है विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन कॉलम टू। बताओ जल्दी से क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट C1Q, एल सेलेक्टिन, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, टी हेल्पर सेल, क्या करेक्ट होगा? कॉम्प्लीमेंट C1Q, एल सेलेक्टिन, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स और टी हेल्पर सेल्स। हाँ माधुरी, आई कैन अंडरस्टैंड, मत करिए आप, अगर आपने पहले से लाइक किया है तो डिसलाइक करने की जरूरत नहीं। हाउ कैन वी रिमेंबर द नेम ऑफ अमाइनो एसिड? सिंपल से है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ऐसा कहीं पर मैंने पढ़ा था, उसको मैंने इंप्लीमेंट किया तो मेरे से हो गया, तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो, आपको भी वही करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करो, आराम से आ जाएगा सारी चीजें। यस, बी क्विक, फटाफट से आंसर करो जल्दी से गाइज। यस, मैच द कंटेंट ऑफ कॉलम वन विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन कॉलम। तो दिस इज कॉलम वन और ये कॉलम टू, बताओ जल्दी से। सो श्रद्धा कह रही आंसर बी होगा, अनीश कह रहे बी होगा, दिनेश डी कह रहे, विवेक कह रहे डी, अंचिता कह रही है डी, अदिति डी कह रही है, माधुरी डी कह रही है, पूजा, वैष्णवी, ध्रुव, गुड मॉर्निंग। यस, तो देखो कॉम्प्लीमेंट C1Q जो है ये एक्टिवेट होता है जब वो एंटीबॉडी के एफसी रीजन को बाइंड करता है, दिस इज एंटीबॉडी, और इस एंटीबॉडी का ये फैब रीजन है और दिस इज एफसी रीजन, और ये एंटीबॉडी अगर किसी एंटीजन के साथ इंटरेक्ट कर रही है ये एंटीबॉडी, तो यहां पर आप देख सकते हो कि C1Q जो है वो बाइंड करता है और एक्टिवेट होता है। तो P का होना चाहिए 3, P का 3, तो दिस इज रॉन्ग, P का क्या होना चाहिए 3। मुझे एक पता है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट C5B से आगे बनता है, तो जैसे मुझे पता है कि जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स है मैक कॉम्प्लेक्स जो है C5B6789 इससे बनता है, तो C5 उसके रिक्वायर्ड है, तो R का होना चाहिए 2। ठीक है, तो R का 2 यहां पर है, तो यहां पर R का 4 दे रखा है, तो ये गलत है, आंसर 3 इज द करेक्ट। टी हेल्पर सेल्स जो है
तो यहां पर है सीडी 40 लिगेंड, तो सीडी 40 लिगेंड जो है वो आपको दिख रहा है यहां पर टीएल पर सेल्स के ऊपर, तो एस का आएगा वी। और देन फाइनली जो सेलेक्टिन रहता है वो सीडी 34 के साथ जाएगा, क्यू का वन, तो हो गया 39 का आंसर इज फोर्थ। ठीक है, समझ में आ गया, एस और नो क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 को यहां पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। चलो इसको सॉल्व करो फटाफट से, सिंपल है ये। द डेल्टा, द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर द मूवमेंट ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेयर कैल्शियम इज 1 मिलीमोलर टू द साइटोसोल वेयर एज कैल्शियम इज 0.1 माइक्रोमोलर एट -50 मिलीवोल्ट मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज किलो जूल्स मोल इनवर्स, और आपको कुछ यहां पर वैल्यू जो है वो दे रखी है। चलो इसको सॉल्व करो फटाफट से, बी क्विक। ठीक है, सो जो फ्री एनर्जी है डेल्टा जी जीरो कैन बी कैलकुलेटेड बाय नर्स्ट इक्वेशन, दैट इज एन एफ इंटू डेल्टा ई, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गीवन क्या है वो देता हूं मैं आपको। ठीक है, जो गीवन है उसमें आपको मैं बताऊं, सो कैल्शियम कंसेंट्रेशन इन ई आर इज 1 मिलीमोलर। ठीक है, सो कैल्शियम कंसेंट्रेशन इन ई आर दैट इज 1 मिलीमोलर। ठीक है, साइटोसोल में कितनी है, इट इज, तो कैल्शियम कंसेंट्रेशन इन साइटोसोल, ठीक है, ओके, वो कितनी है 0.1 माइक्रोमोलर है, ध्यान रखना। द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी एट मूवमेंट ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम द एनर्जिडियम, बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये आपको यहां पर दे रखा है, क्लियर, मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज, और ये दे रखा है। ओके, अब इसके बाद आपको यहां पर क्या समझना है, सिंपल तरीके से। अब आप यहां पर नर्स्ट इक्वेशन जो है, उसको यूज कर सकते हैं, और नर्स्ट इक्वेशन को हम यूज करें तो वो क्या होगा, डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू एन एफ इंटू डेल्टा ई। ठीक है, ये आपको यहां पर देखना पड़ेगा। सर सेलवाल जी के क्वेश्चन है क्या, यस है, श्रद्धा बायोकेमिस्ट्री, तारीश रजनीश ओनली बायोकेमिस्ट्री एमसीक्यू, यहां पर तो अभी के लिए बायोकेमिस्ट्री चल रहे, बाद में हम वो भी करेंगे। ठीक है, वेरी गुड, तो ये आ गया। तो आपको पता है एन की वैल्यू निकालनी है, तो जब ये मॉलिक्यूल ट्रांसफर होता है, कैल्शियम आयन जो है वो मूवमेंट शो कर रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू, कहां पर, बाहर साइटोसोल में, तो वहां पर 0.1 माइक्रोमोलार दिखा रहा है। ठीक है, और यहां पर आपको देखना है कि उसका पोटेंशियल जो है वो किलो जूल में कितना आएगा वो आपको बताना है। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन यूज कर रहे हो, जब एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, जब वो ट्रांसफर हो रहा है तो वहां पर दो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल जब ऑक्सीडाइज हो रहा है वहां से, तो दो इलेक्ट्रॉन का वहां पर क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा तो आप यहां पर देख सकते हो एन का वैल्यू कितना आएगा, टू आएगा। ठीक है, एन का वैल्यू जो है वो टू आएगा। अब उसके बाद जो हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ठीक है, ई जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसका वैल्यू कितना आएगा, तो 96,000 जो है 500 सी आएगा। ठीक है, तो ई जो है, सॉरी फैराडेज कांस्टेंट है, वो उतना आएगा। ठीक है, अब आपको यहां पर ये वैल्यूज जो है वो सारी लिखनी है,
और जो फाइनल इक्वेशन आपको, ये देखो यहां पर ये फेडेज जो है, वन फेडेज इज इक्वल टू आपको दे रखा है कितना, तो ये वाला 96,500 कूलम यहां पर आपको ये दे रखा है। अब जो फाइनल इक्वेशन आपको जो लगाना है, जहां पर आप देख सकते हो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी लॉग ऑफ बी अपॉन ए, लॉग ऑफ बी अपॉन ए मतलब प्रोडक्ट अपॉन सबस्ट्रेट। प्रोडक्ट मतलब क्या, बाहर जाने का हम देख रहे, तो प्रोडक्ट अपॉन सबस्ट्रेट जो है वो आपको यहां पर करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आपने सिंपल से ये वैल्यू लगाई यहां पर, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। डेल्टा जी की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो फटाफट से ट्राई करो, चलो जल्दी जल्दी डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो निकालने की कोशिश करो। सॉरी, डेल्टा जी जीरो की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करो, बी क्विक इसकी। अब ये एन आपको टू दे रखा है, एफ फैराडेज कांस्टेंट आपको दे रखा है कितना, 96,500 सी कूलम्स। ई की वैल्यू कितनी आपकी, तो ई की वैल्यू आएगी -50 मिली वोल्ट। तो फटाफट से जल्दी डेल्टा जी जीरो की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। सारी वैल्यू आपको दे रखी है, ये दो है यहां पर, 96,500 है प्लस यहां पर आपको दे रखा है कौन सा, ई, दैट इज -50 मिली वोल्ट। तो जल्दी से जल्दी इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है। गायत्री कह रही है क्या है, चलो उसका छोड़ो, अभी जो है हमारा उसका फोकस करो। यस, जो हम कर रहे हैं अभी उसकी वैल्यू जो है, जो हम कर रहे हैं उसकी, उसको फोकस करो अभी फटाफट से, बी क्विक, चलो। यस, आ गया येस और नो, बताओ जल्दी, चलो। किसी ने भी कैलकुलेट नहीं किया अभी तक, क्यों बताओ जल्दी से, येस, बी क्विक। अरे क्या है उसमें डिफिकल्ट, मुझे समझ नहीं आ रहा है आपसे डिफिकल्ट क्या है। एन का वैल्यू आपको दे रखा था, ठीक है, यहां पर मैं आपको एफ का वैल्यू दे रखा है कितना, 96,500 सी ये दे रखा है। उसके बाद ये हो गया फेरेडेज वाला, ठीक है, ये एन हो गया। फिर उसके बाद आपको क्या चाहिए, ई चाहिए, ई की वैल्यू कितनी है, तो ई की वैल्यू आपको दे रखी है -50 मिली वोल्ट। अब इसमें आपको डेल्टा जी जीरो कैलकुलेट करने में क्या है आपका यहां पर, तो सिंपल से अगर मैं आपको यहां पर कैलकुलेट करके दिखाऊं, ठीक है, ये फॉर्मूला यहां से हटा दो, ये यहां से करो, तो पहले हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो हमारा डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू, तो हमारा क्या है, एन क्या है, एन इज टू, ठीक है, एफ क्या है, फेरेडेज कांस्टेंट दैट इज 96,500, ठीक है। अब उसके बाद क्या आ रहा है, डेल्टा ई, तो इसमें क्या आ रहा है, -50 मिली वोल्ट, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इनटू -50 करना पड़ेगा, तब क्या आएगा, मिली वोल्ट जो है वो आएगा, ठीक है। अब इसको तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हो ना, यस और नो, इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, यस, बताओ जल्दी से, बी क्विक। आ गया, ठीक है, तो सिंपल से डेल्टा जी जीरो जो हमारा है
डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते 96,500 ठीक है इंटू माइनस 50 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, ऐसा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा वोल्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है। मिली वोल्ट को हमने वोल्ट्स के अंदर कन्वर्ट करने की यहां पर कोशिश की तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा अब यहां पर इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 9650 ये आंसर जो है आपका आ जाएगा और ये किस में आएगा जूल मोल इनवर्स में आएगा ठीक है। ऐसे कैसे कर रहे हो पहले माइनस 50 मिली वोल्ट को वोल्ट में कन्वर्ट कर दो तो इंटू माइनस 3 कर दिया तो अगर इस सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा यहां पर आ जाएगा ये वाला और इसको हमें क्या करना पड़ेगा हम इसको कन्वर्ट करेंगे इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे तो इसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो वो आ जाएगा 9.650 किलो जूल ये वाला यहां पर आ जाएगा और मोल इनवर्स ठीक है ये वाला यहां पर जो है वो आ जाएगा क्लियर है आ गया। अब ये होगी आपकी डेल्टा जी की वैल्यू तो सिंपल से डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या करोगे आप डेल्टा जी की वैल्यू पुट करो यहां पर अब ये इक्वेशन लगाओ ना ये इक्वेशन में क्या करोगे आप डेल्टा जी की वैल्यू क्या है आपकी दैट इज ये माइनस है सॉरी माइनस 9.650 प्लस यहां पर आपका क्या आ रहा है आर टी तो आर मतलब आपका क्या है गैस कांस्टेंट उसकी वैल्यू यहां पर आपको दे रखी है दैट इज 8.314 ठीक है। टेम्परेचर तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपको पता है वो क्या होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो होता है कितना 37 डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 273 प्लस 37 यहां पर आपको लेना पड़ेगा तो वो आपका कितना हो जाएगा आर टी तो ये इंटू आपको करना पड़ेगा और वो होगा आपका 310 के ठीक है 310 के ये आपका यहां पर होगा तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा मैं यहां से हट जाता हूं अब आप आराम से देख सकते हो यहां पर ठीक है तो ये कितना हो गया 310 क्लियर 310 के हो गया एस और नो तो अब क्या होगा यहां पर आगे आएगा log ऑफ b अपॉन a तो डेल्टा g जीरो इज इक्वल टू माइनस 9.650 प्लस आपका यहां पर आएगा क्या 8.314 और 8.314 इंटू क्या आएगा 310 ये के वाला होगा 310 और उसके बाद log ऑफ आपका आएगा b b इज व्हाट प्रोडक्ट प्रोडक्ट मतलब क्या ये देखो आपका ये होगा b और ये क्या है आपका a इसको मानो b और इसको मानो आप a ठीक है तो आपका b क्या होगा तो b आपका होगा 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 ठीक है इसको आपने 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 किया ऐसा क्यों किया आपने माइनस 4 क्यों किया क्योंकि ये माइक्रो मोल में है और इसको हमें मिली मोल में कन्वर्ट करना है तो इसको मिली मोल में कन्वर्ट करना है इसलिए आपने हमने ये तो 1 ही था 0.1 था 0.1 माइक्रो मोल को अगर हम मिली मोल में कन्वर्ट करना चाहते तो वो आएगा 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 और फिर नीचे यहां पर आप लिखोगे 1 ठीक है ये आपका आ गया यहां पर ऐसे। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो डेल्टा जी करो इसको सॉल्व तो क्या आएगा माइनस 9.650 माइनस 23.7 इज इक्वल टू आपका आंसर कितना आएगा वो आप अब मुझे कैलकुलेट करके बता सकते हो। चलो जल्दी मुझे वापस आना है यहां पर यस मुझे यहां पर वापस आना है तो जल्दी से जल्दी फटाफट से इसका कैलकुलेशन मुझे करके दिखाओ क्या करना है माइनस 9.650 को
प्लस यहां पर आप क्या करोगे 8.34 इंटू 310। तो सबसे पहले क्या करो, ये 8.314 इंटू 30 करो, उसका आंसर आ जाएगा। फिर आप इसको सॉल्व करो, 1 × 10⁻⁴ / 1 ये सॉल्व करो, ठीक है। ये और ये सॉल्व करने के बाद आपको यहां पर क्या करना है, सिंपल से डेल्टा जी की वैल्यू, इसका जो आंसर आएगा ये पूरे इसका, इसको आप देखोगे तो यहां पर प्लस है और ये माइनस है, तो एक तरीके से आपका आंसर जो है इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा वो जल्दी से मुझे बताओ। यस, बी क्विक, बताओ जल्दी से यहां पर आंसर क्या होगा। यस, यस, सेल्सियस केल्विन में चेंज किया तो 10। यस, बिल्कुल सही बात है। क्यों रिटेट कर रहे मैसेज हितिका, श्रद्धा, तेजस्विनी, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन आप कर सकते हो, बताओ जल्दी से। दिख रहा है, ठीक है, यस, क्या आएगा, -9.65 - 23.7 का आंसर क्या आएगा। कैलकुलेटर है आपके पास, कैलकुलेटर यूज करो। और वैसे भी आपको बताए गेट में वर्चुअल कैलकुलेटर इज अलाउड, वर्चुअल कैलकुलेटर को यूज करके आप आराम से आंसर जो है वो निकाल सकते हो। तो फटाफट से बी क्विक 3 कैसे आएगा। यस तरन्नुम, कोशिश करो। व्हाट अबाउट अदर्स। यस, अंचिता का आ गया 32.75। व्हाट अबाउट अदर्स, गायत्री, ये क्या आंसर, आपने पीछे का आंसर दिया है, ठीक है। तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 33 point something जो है वो वहां पर आंसर जो आपका आ जाएगा। तो आपको पता है कि गेट के ऑप्शंस में एक रेंज दी रखी होती है, 33 to 34 के बीच में एक रेंज आपको वहां पर दी गई होती है, ठीक है। यस सचदेव, वेरी गुड, 33.35, बहुत बढ़िया, क्लियर। यस, एस और नो, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, बताओ। बहुत फेमस, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है। इस तरह के क्वेश्चन आप देखते हो प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर पे, अमीनो एसिड्स के ऊपर, एंजाइम्स के ऊपर, यूजुअली बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। अब आपको अलग अलग एंगल्स दिखा रखे, बॉन्ड्स दिखा रखे, ये W आपको पता करना है वो क्या है, X पता करना है आपको क्या है, Y पता करना है आपको क्या है, और Z क्या है वो भी आपको पता करना है। यस, बताओ जल्दी से, फटाफट से, बी क्विक, क्या है W, साई कौन सा है, फाई कौन सा है, ओमेगा कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाइज द करेक्टली मैच्ड पेयर्स। करेक्टली मैच्ड पेयर्स कौन सा होता है, कौन सा आइडेंटिफाई किया जाता है, फटाफट से जल्दी बताने की कोशिश करो। यस आ जाएगा, आना चाहिए आप लोगों को, बताओ जल्दी से। पहले मुझे बताओ, चलो मैं आपको हेल्प करता हूं, मुझे बताओ सी अल्फा सी ये कौन सा बॉन्ड होता है। ये दिख रहा है सी अल्फा सी ये कौन सा बॉन्ड होता है, सी अल्फा सी। यस बताओ जल्दी से, फटाफट से, सी अल्फा सी कौन सा बॉन्ड होता है। यस चित्रा कह रही है सी, आंसर बता रहे हो आप, ठीक है, साई होता है, वेरी गुड, सी अल्फा सी जो है वो साई होता है। तो डब्ल्यू का क्या आएगा यहां पर, रुको,
ठीक है, तो सी अल्फा सी साई होगा तो ये आएगा डब्ल्यू का वन, तो डब्ल्यू जो है वो वन वन, तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, ठीक है, वेरी गुड। अब इसको देख के बताओ एन और जो सी अल्फा में है वो कौन सा है, एन और सी अल्फा में वो कौन सा है, तो एन और सी अल्फा में वो कौन सा है, फाइ है, तो एक्स जो है वो क्या होना चाहिए, फाइ होना चाहिए एक्स, तो एक्स का थ्री होना चाहिए, एक्स का थ्री, एक्स का थ्री, ठीक है। देन यहां पर हमें दे रखा है सी एंड एन के बीच में जो बॉन्ड है, सी एंड एन के बीच में जो बॉन्ड है वाई, वो वाई क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए ओमेगा। वाई टू कैसे दे रखा है, यस, वाई जो है वो होना चाहिए ओमेगा, y जो है वो ओमेगा होना चाहिए, तो y का 4 और बाकी z का क्या आएगा 2, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। कैसे कुछ लोग c कह रहे थे पता नहीं आ रहा था मुझे, कुछ लोग इसका आंसर c कह रहे थे। एक डायग्राम है, इस डायग्राम से आपका पूरा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो गया। अब इसके अलावा आपको और क्या चाहिए मुझे बताओ, यस, फटाफट से बी क्विक, जल्दी जल्दी मुझे बताओ, क्लियर है, वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस के आंसर जो है वो सॉल्व करने हैं, क्लियर। नेक्स्ट एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन इज दिस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कोशिश करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट अबाउट हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के रिगार्डिंग कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है। फर्स्ट, एचबी डेमोन्स्ट्रेट्स हायर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कंपेयर टू मायोग्लोबिन, क्या है इसका करेक्ट। सेकेंड, देयर इज अ कोवेलेंट बॉन्डिंग बिटवीन द फोर सबयूनिट्स ऑफ एचबी। थर्ड, ड्यूरिंग डी ऑक्सीजेशन द लॉस ऑफ द फर्स्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फ्रॉम डी ऑक्सीजनेटेड एचबी प्रमोट्स द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अदर सबयूनिट्स। ड्यूरिंग डी ऑक्सीजेशन द लॉस ऑफ द फर्स्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल from the deoxygen promotes the dissociation from the other substances, incorrect पूछा है, yes बताओ जल्दी से, HB demonstrate higher oxygen carrying capacity than compared to myoglobin, बिल्कुल सही बात है, एक hemoglobin को चार oxygen bind करते हैं, ऐसा पढ़ते हैं ना कि पहले ये टेंस होता है, टेंस होता है, टेंस होता है, टेंस होता है, एक O2 बाइंड हो गया तो रिलैक्स होता है, फिर रिलैक्स हो जाता है, तो एक HB को चार ऑक्सीजन बाइंड कर सकते हैं, टेंस एंड रिलैक्स, ऐसी दो स्टेट्स होती है। तो हम देख सकते हैं मायोग्लोबिन एक ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को होल्ड कर सकता है, मायोग्लोबिन सिर्फ एक ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होल्ड करेगा, लेकिन हीमोग्लोबिन चार ऑक्सीजन को होल्ड करता है, तो ये सही है, आपको तो इनकरेक्ट पूछा है तो ये गलत हो गया। देयर इज अ कोवेलेंट बॉन्डिंग बिटवीन फोर सबयूनिट ऑफ एचबी, एज फार एज आई नो आई डोंट थिंक कि जो ये दो बीटा चेन होती है, बीटा वन बीटा टू, अल्फा वन अल्फा टू, ये कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ी होती है, ये वीक इंटरेक्शन से यहां पर जुड़ी होती है, दिस इज द रॉन्ग आंसर, और आपको इनकरेक्ट पूछा है, तो सेकेंड जो है वो होना चाहिए, सेकेंड होना चाहिए, ये नहीं हो सकता, अब ये या ये हो सकता है। ड्यूरिंग डी ऑक्सीजेशन द लॉस ऑफ फर्स्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फ्रॉम ऑक्सीडेटेड एच बी प्रमोट्स द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अदर सबेंट।
ड्यूरिंग डीऑक्सीजनेशन द लॉस ऑफ फर्स्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फ्रॉम ऑक्सीजन, जैसे हमें पता है कि पहला ऑक्सीजन बाइंडिंग में टाइम लगता है, उसकी वजह से ऐसा कंफर्मेशन चेंज होता है कि दूसरा बहुत जल्दी बाइंड होता है, दूसरा बाइंड होता है तो ऐसा कंफर्मेशन चेंज होगा कि तीसरा और तेजी से बाइंड होगा, तीसरा बाइंड होने के बाद ऐसा कंफर्मेशन चेंज होगा कि चौथा और तेजी से बाइंड होगा। दिस इज द कोऑपरेटिव फेनोमेना। तो बढ़ रहा है अच्छे से, वहां पर क्या कर रहा है वो हीमोग्लोबिन के लिए ऑक्सीजन बाइंड हो रहा है। तो वैसे एक डिसोसिएट हो गया, दूसरा भी होगा, दूसरा होगा तो तीसरा भी हो गया, तीसरा हो तो चौथा भी होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और सेकंड ही रॉन्ग है और वही करेक्ट आंसर है हमारा। सेकंड ही क्या है वहां पर, रॉन्ग है और वही करेक्ट है। ठीक है, अगर आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही है तो आप लाइक क्यों नहीं कर रहे हो सेशन को? लाइक करो फटाफट से, जल्दी से, एस और नो, बी क्विक। यस, बताओ जल्दी से फटाफट से। यस, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 43 को सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन नंबर 43, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब IFS ऑनलाइन। ठीक है, नेक्स्ट। ए 1.2 KB DNA फ्रेगमेंट वॉज यूज एज अ टेम्पलेट फॉर PCR एम्प्लीफिकेशन यूजिंग प्राइमर 1, 2, 3, 4। दिख रहा है आपको यहां पर, ये आपका प्राइमर 1 है, ये प्राइमर आपका 2 है, ये प्राइमर 3 है और ये प्राइमर 4 है। ठीक है, तो हमें करना है 1.2 KB का DNA फ्रेगमेंट, उसको एम्प्लीफाई करना है और टेम्पलेट PCR एम्प्लीफिकेशन यूजिंग प्राइमर P1, P2, P3, P4। और आपको लोकेशन दे रखी है कि प्राइमर 1 कहां पर बाइंड कर रहा है, प्राइमर 1 बाइंड कर रहा है एंड पे। ठीक है, और प्राइमर 4 बाइंड कर रहा है एंड पे, लेकिन प्राइमर 2 एंड प्राइमर 3 वो बीच में बाइंड कर रहा है। ठीक है, द एनिलिंग पोजिशन ऑफ प्राइमर ऑन टेम्पलेट्स आर इंडिकेटेड बाई द नंबर्स, दे रखा है। ये 500 बेस पेयर पे बाइंड करता है, ये 300 बेस पेयर पे बाइंड करता है, ये 1200 पे बाइंड करता है। प्राइमर P2 एंड P3 कंटेन सिंगल बेस मिसमैचेस एज इंडिकेटेड बाय फील्ड ट्रायंगल। यहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर एक मिसमैच है और इवन यहां पर भी एक मिसमैच है। तो ये मिसमैच बेस यहां पर आपको दिख रहा है, दिस इज मिसमैच बेस। ठीक है, तो मिसमैच बेस आपको यहां पर दिख रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, PCR वॉज परफॉर्म्ड यूजिंग प्राइमर पेयर P1 एंड P3। ठीक है, PCR क्या किया, P1 एंड P3, तो P1 को यूज किया और P3 को यूज किया। तो पहला P1 एंड P3, तो मैं यहां पर लिखता हूं। ठीक है, PCR किया कैसे, P1 एंड P3 को लेके, 1 vial, ये एक vial में हो गया, तो vial नंबर 1 में ये हो गया, vial नंबर 1 में ये आ गया, एंड P2 एंड P4 इन अनदर वायल। तो PCR हमने किया P2 एंड P4 करके, किसमें, वायल नंबर 2 में किया। द प्यूरिफाइड PCR प्रोडक्ट्स फ्रॉम द 2 वायल्स वेर मिक्स्ड, इन दोनों वायल के जो प्रोडक्ट थे उन प्रोडक्ट्स को मिक्स्ड किया गया, उन दोनों प्रोडक्ट्स को क्या किया गया, मिक्स्ड किया, एंड सब्जेक्टेड टू अनदर राउंड ऑफ PCR विद प्राइमर P1 एंड P4। इनका और एक बार PCR किया विद प्राइमर 1 एंड प्राइमर 4। द फाइनल PCR प्रोडक्ट विल करेस्पॉन्ड टू ए, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा,
यस फटाफट से बताओ, चलो जल्दी से जल्दी बताओ मुझे 43 का आंसर क्या होगा। यस गाइस बी क्विक, फटाफट से बताओ, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। बताओ जल्दी से, आपके आंसर के लिए मैं वेट कर रहा हूं गाइस, बी क्विक फटाफट से जल्दी बताओ। यस क्या होगा फाइनल आंसर, बी क्विक गाइस। यस ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन है, फोर ऑप्शन है 1.2 केबी वाइल्ड टाइप डीएनए, 1.2 केबी डीएनए विद 2 point म्यूटेशंस, 0.9 केबी डीएनए विद 1 point म्यूटेशन, 0.5 डीएनए विद 1 point म्यूटेशन। अंचिता पहले बी होगा, व्हाट अबाउट अदर्स, हितिका ए कह रही है, गायत्री शोर नहीं लेकिन ए कह रहे हैं, हुमा कह रही है बी होगा, चित्रा कह रही है ए होगा, वेरी गुड। देखो पहली चीज, ये मेरे पास एक स्ट्रैंड है ठीक है, पीसीआर प्रोडक्ट है, एक है 5 prime और एक है 3 prime और दूसरा मेरे पास है 3 prime और एक है 5 prime, तो एक 5 prime 3 prime है और एक 3 prime 5 prime है ठीक है। अब मैंने क्या डाला है प्राइमर 1, तो आपको पता है प्राइमर 1 कहां पर बाइंड होता है, तो प्राइमर 1 जो है वो यहां पर बाइंड होगा। थोड़ा अलग कलर यूज करता हूं, प्राइमर 1 जो है वो यहां पर बाइंड होगा, और प्राइमर 4 कहां पर बाइंड होता है, तो प्राइमर 4 यहां पर बाइंड होता है, तो इसके ऊपर प्राइमर 4 बाइंड होगा। चलो ये तो पक्का पता चल गया, पूरा डीएनए एम्पलीफाई होगा, अगर P2 होता या P3 होता तो हाफ ही डीएनए एम्पलीफाई होता, लेकिन ये एंड के प्राइमर जुड़ गए, इसका मतलब कंप्लीट डीएनए इज गोइंग टू बी एम्पलीफाई। तो एक तो पता है 0.9 के भी डीएनए नहीं होगा और ना ही 0.5 के भी डीएनए होगा, डीएनए जो होगा वो 1.2 के भी होगा, ये दोनों प्राइमर एंड पे जुड़े हैं। आपको कि सर आपको कैसे पता कि P1 और P4 एंड पे जुड़ेंगे, क्योंकि उनकी जो ऑलरेडी नॉन पोजीशन थी हमें वो यहां पर है और यहां पर है ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये वाइल्ड टाइप वाला होगा या विद 2 point म्यूटेशन होगा, क्योंकि P1 के साथ म्यूटेशन है नहीं, P4 के साथ भी म्यूटेशन है नहीं, तो अब ये कैसा वाला होगा, वाइल्ड टाइप वाला होगा या फिर ये होगा 0.9 म्यूटेशन वाला, जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर बताओ, बी क्विक फटाफट से जल्दी जल्दी बताओ, चलो बी क्विक गाइस बताओ जल्दी से। यस बताओ वाइल्ड टाइप के लिए गायत्री, ओके व्हाट अबाउट अदर्स, बाकी लोगों का क्या कहना है बताओ जल्दी से फटाफट से, बी क्विक वाइल्ड टाइप, चित्रा कह रही है वाइल्ड टाइप होगा, गायत्री कह रही है वाइल्ड टाइप होगा, व्हाट अबाउट अदर्स, यस वैष्णवी वाइल्ड टाइप, कैसे लोग हैं आप लोग, कैसे ऐसा कर सकते हो मुझे समझ में नहीं आता। अरे होशियार बच्चों, जब हमने पहले अलग से किया ये वाइल्ड में हमने किया या हमने इसमें किया, तो एक प्राइमर यहां पर म्यूटेशन वाला था, एक प्राइमर यहां पर म्यूटेशन वाला था, तो ये एक प्राइमर है म्यूटेशन वाला, ये एक प्राइमर है म्यूटेशन वाला, तो यहां से जो भी प्यूरिफाइड प्रोडक्ट था उस प्यूरिफाइड प्रोडक्ट में म्यूटेशन क्या हुआ होगा, इंट्रोड्यूस हुआ होगा, तो अगले वाले में जब ये आएगा तो ऑलरेडी यहां पर कहीं पर क्या हुआ होगा, पॉइंट म्यूटेशन जो है वो हुआ होगा, और वही पॉइंट म्यूटेशन अब क्या होगा आपको वहां पर दिखेगा, तो पॉइंट म्यूटेशन वहां पर आना चाहिए ना गाइज, ऐसा कैसे कर रहे हो आप ठीक है, तो वहां पर 2 point म्यूटेशन आपको देखने को मिलेंगे, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा 43 का वो होगा बी ठीक है।
अंचिता कह रही कि मिक्स क्यों किया, उनकी मर्जी, हमें क्या, एक्सपेरिमेंट को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, आपके दिमाग को और स्ट्रेस देने के लिए, आप क्वेश्चन से दूर हट जाओ, और वो मिक्स क्यों किया वही सोचते रहे, इसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए आपको क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। और वो एक्चुअली देखना चाहते हैं कि क्या मिक्स करने के बाद क्या फर्क पड़ता है वहां पर, कैसा हो सकता है, वो वहां पर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यस तारानुम, वेरी गुड, अब आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, क्लियर है, एस और नो, चलो आगे बढ़ जाए। 44 नंबर क्वेश्चन, फटाफट से बताओ क्या है। ए सेल सस्पेंशन वॉज सब्जेक्टेड टू मेम्ब्रेन डिसरप्शन फॉलोड बाय डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन टू फ्रैक्शनेट द सेलुलर कंपोनेंट्स मैच द सेंट्रीफ्यूगल कंडीशंस इन कॉलम वन टू द अप्रोप्रिएट सबसेलुलर कंपोनेंट्स इन कॉलम टू। ठीक है, कॉलम वन से कॉलम टू, मुझे एक चीज सबसे अच्छे पता है, जिसका वेट हेवी होगा, जिसका वेट ज्यादा होगा, वो जल्दी से आपका पेलेट आउट हो जाएगा, तो उसको कम सेंट्रीफ्यूगेशन पे, कम टाइम पे रखना पड़ेगा। तो इतना देखना है आपको कि सबसे ज्यादा हेवी यहां पर है कौन, सिंपल से वो आपको देखना है कि इसमें सबसे ज्यादा हेवी आपको दिख कौन रहा है, उसके बाद सबसे हेवी कौन है, जो सबसे हेवी होगा उसको कम आरपीएम पे सेंट्रीफ्यूगेशन करके आपको कम टाइम के लिए करना पड़ेगा, जो सबसे ज्यादा वहां पर लाइटर होगा उसके लिए आपको ज्यादा आरपीएम पे सेंट्रीफ्यूगेशन करना पड़ेगा, और वो ज्यादा टाइम पे। ठीक है, तो बताओ जल्दी से यहां पर क्या आंसर होगा, इतना सिंपल सा लॉजिक बताकर, मुझे सिंपल सा लॉजिक है वो मैं आपको दिया हूं, अब बताओ आराम से, चलो फटाफट से पी क्यू आर एस में सिंपल से आपको यहां पर सॉल्व करना है। यस, क्या होगा आपका आंसर, बी क्विक गाइज, जल्दी जल्दी बताओ। यस, ठीक है, तो मुझे पता है न्यूक्लियस सबसे हेवी है, न्यूक्लियस यहां पर सबसे हेवी है, तो न्यूक्लियस को सबसे कम टाइम लगने वाला है, तो 100 जी पे 10 मिनट के लिए मैं न्यूक्लियस कर रहा हूं, तो पी का आना चाहिए थर्ड, पी का थर्ड, तो ये गया और ये गया, दो ऑप्शन तो हट जाते हैं सिंपल से। ठीक है, पी का आने वाला है 3, न्यूक्लियस के बाद मुझे जो यहां पर दिख रहा है, मेरे लॉजिकली मैं अगर देखूं, राइबोसोम सबसे हल्का है, मेम्ब्रेन लेस है, मेम्ब्रेन नहीं कुछ नहीं, सबसे हल्का है, तो इसको सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है 3 आवर्स, एंड ये वाला जो जी है वो राइबोसोम लगने वाला है, तो एस का आना चाहिए 2, तो एस का 2 है और यहां पर एस का 1 है, तो ये गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सी कह रहे, कैसे पॉसिबल है सी, नो, उसके बाद ये हम दिख रहे 20,000 जी पे लाइसोजोम और ये आएगा, तो क्यू का आना चाहिए 4, यस, और ये आर का आना चाहिए 1, नो, पॉसिबल नहीं है, करेक्ट आंसर इज 1 ही करेक्ट आंसर है, दैट्स फॉर श्योर 1 ही करेक्ट आंसर है, क्लियर, एस और नो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते और अच्छे से यहां पर चीजों को समझने की कोशिश करते, क्लियर है, एस और नो। चलो तो यहां पर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, अब इस लास्ट क्वेश्चन को सब लोगों को यहां पर क्या करना है, सॉल्व करना है, सारे लोग ट्राई करेंगे इस लास्ट क्वेश्चन को, चलो बी क्विक फटाफट से, चलो सिंपल क्वेश्चन है, दिख रहा है डायग्राम्स बड़े बड़े हैं, डिफिकल्ट वाले डायग्राम लग रहे हैं आपको, लेकिन कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, बहुत ही इजी है, मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले, गिवन बिलो आर द मैप्स ऑफ 1200 बेस पेयर्स लॉन्ग, ठीक है, ये दे रखा है आपको 1200 बेस पेयर, 700 प्लस 200 प्लस 300, 700 प्लस 300 1000 प्लस, तो ये आपको 1200 बेस पेयर का यहां पर एक लॉन्ग क्या दे रखा है, डीएनए इंसर्ट दे रखा है, ठीक है, ये डीएनए इंसर्ट है, ओके। नेक्स्ट बोला है, एंड 3000 बेस पेयर एक्सप्रेशन वेक्टर,
और यहां पर आपका 3000 बेस पेयर का क्या है, ये वेक्टर है, एक्सप्रेशन वेक्टर। चलो बहुत बढ़िया। द बाम एच वन एंड हाइंड थ्री एच रेस्ट्रिक्शन साइट्स एंड डीएनए लेंथ बिटवीन देम इंडिकेटेड आर इंडिकेटेड इन बेस पेयर्स। ठीक है, तो दिस इज द रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर बाम एच वन एंड दिस इज फॉर हाइंड थ्री, दिस इज फॉर हाइंड थ्री, दिस इज फॉर बाम एच वन, दिस इज फॉर हाइंड थ्री। कोई दिक्कत नहीं, मुझे आ रहा है समझ में अच्छे से। अब क्या बोला है नेक्स्ट आगे, द इंसर्ट इज क्लोन्ड इनटू वेक्टर एट द बाम एच वन साइट। ठीक है, तो ये जो इंसर्ट था उसको एक्सप्रेशन वेक्टर में डाला, कहां पर, बाम एच वन साइट पे। एंड द डिजायर्ड ओरिएंटेशन इज शोन बाय द एरो। क्या हम इसको निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलो हम यहां पर निकालते हैं, ये हमारा एक्सप्रेशन वेक्टर है। ठीक है, यहां पर ये एच है और यहां पर जो हमारा ये है वो क्या है, बी है। तो यहां पर हमने एक कट लगाया बी के और ये टोटल 300 बेस पेयर का है और यहां पर हमने हमारा इंसर्ट डाला। ठीक है, तो यहां पर हम डाल रहे हैं क्या, इंसर्ट। तो ये ऐसा इंसर्ट हमने यहां पर डाला, 1200 बेस पेयर लॉन्ग ये इंसर्ट डाला और यहां से फिर ये ऐसा पूरा हमारा एक्सप्रेशन वेक्टर जो है वो यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब वेक्टर डालने पर हमें दिखाई दिया कि ये बी था, बी यहां पर साइड हो गई, फिर यहां पर एक एच आ गया जो कि 300 बेस पेयर का था, फिर यहां पर एक एच आ गया जो 200 बेस पेयर का था। ठीक है, फिर ये बी और एच आ गया, फिर यहां पर और एक एच आ गया 200 बेस पेयर का था और फिर एक बी आ गया जो आपका यहां पर था। ठीक है, एक बी आ गया आपका जो यहां पर था। क्लियर है? अब देखो इसको क्या किया हमने, आराम से देखो। आफ्टर क्लोनिंग द ओरिएंटेशन ऑफ इंसर्ट इन द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इज टेस्टेड बाय कंप्लीट हाइंड थ्री डाइजेशन। इसको हमने क्या किया, कंप्लीट हाइंड थ्री डाइजेशन किया फॉलोड बाय एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये देखो यहां पर आपका एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो हो रहा है कंप्लीटाइजेशन पे। Then which one of the following band patterns reveal the correct orientation of the insert in the construction? कौन सा बैंड पैटर्न जो है वो हमें दिखा रहा है? ये देखो यहां पर ये मार्कर बेस पेयर है और ये सैंपल का है। ये मार्कर है 200, 250 बेस पेयर, 500 बेस पेयर, देन 1000, 2000, 3000, देन यहां पर दिखा रहा है 4000, 5000, 6000। तो एक साइड ये वाला जो है ये मार्कर का है और ये सैंपल का है, ये मार्कर का है सैंपल का। तो एबीसीडी में से कौन सा आंसर है वो आपको बताना है। ठीक है, तो बताओ जल्दी से, चलो बी क्विक, मैं आपका वेट कर रहा हूं। पूजा कह रही है कि आंसर सी होगा, चलो बी क्विक, व्हाट अबाउट अदर्स, बताओ जल्दी से, फटाफट से बताओ, चलो क्या होगा आंसर। यस गाइस, बी क्विक, आंसर बताओ क्या होगा आंसर। यस, ए कह रहे संजॉय, व्हाट अबाउट अदर्स, बाकी लोगों का क्या कहना है? संजॉय कह रहे ए होगा, व्हाट अबाउट अदर्स, बी क्विक, फटाफट से जल्दी आंसर करने की कोशिश करो। यस, बहुत सिंपल है ना, डाइजेशन किससे किया है, सिर्फ हाइंड थ्री से किया है, सिर्फ हाइंड थ्री से डाइजेशन किया है। तो आपके जो कट लगेंगे वो कट कहां कहां पर लग सकते हैं, हाइंड थ्री से किया है तो एक कट यहां पर और एक कट जो है वो यहां पर लगेगा। ठीक है, तो 600 बेस पेयर का आपको एक मिलेगा, एक कट यहां पर भी लगेगा तो ये मिलेगा आपको 200 बेस पेयर का। ठीक है, और बाकी जो पूरा बचा हुआ है यहां से यहां तक
वो होगा, ठीक है। पूरे एक्सप्रेशन वेक्टर की लेंथ कितनी है? होल एक्सप्रेशन वेक्टर की लेंथ है 3000 बेस पेयर। अब उसमें से 3000 तो हमने यहां पर कंज्यूम कर लिए उसके, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा के भी इसके अंदर आ गए एक्सप्रेशन वेक्टर के, तो बाकी बचा हुआ जो है वो 3000 बेस पेयर से भी क्या होगा, मोर होगा। तो इट वुड बी मोर देन 3000 बेस पेयर। तो आपको तीन मैन मिलने चाहिए, एक तो 3000 बेस पेयर पे, एक मिलना चाहिए 200 और एक मिलना चाहिए 600 पे। अब मैं ए ऑप्शन है उसका देख रहा हूं, मुझे एक बैंड मिल रहा है 250 के नीचे, मतलब 200 वाला। मुझे एक बैंड मिल रहा है 500 के ऊपर, मतलब 600 वाला। और मुझे एक बैंड मिल रहा है 3000 के ऊपर, मतलब ये वाला। बताओ मुझे गाइस, यस वेरी गुड इतिका, 3400, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही हो गया। मुझे बताओ ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या मेहनत करने की जरूरत है? सब कुछ वहीं पर दे रखा है, उसको ही देख के आपको आंसर वहां पर सेलेक्ट करना है, उसके अलावा यहां पर कुछ भी नहीं करना था। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर लिए है। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करो, सेशन को शेयर नहीं किया है तो सेशन को शेयर करो, और IFAS ऑनलाइन को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच एवरीवन। गायत्री यू आर करेक्ट, सचदेव आपका गलत हो गया, विवेक, अदिति, मौर्या, माया, हितिका, आनंद गलत हो गए बेटा, माधुरी, हितिका वेरी गुड, तेजस्विनी वेरी गुड, आनंद वेरी गुड। सर DBT प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन कर दो, करेंगे बहुत जल्दी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहां पर ये सारे क्वेश्चन जो है गेट के हमने यहां पर कंप्लीट कर लिए हैं। सो यू गाइज आर एब्सोल्युटली वेलकम, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के सेशन में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आनंद जी इस लाइव प्लेटफॉर्म पे मैं अपना नंबर शेयर नहीं कर सकता, लेकिन आप एक सिंपल सा काम कर सकते हैं, IFAS में कॉल करिए और उनको अगर आप बोलेंगे कॉल ट्रांसफर करने के लिए, डेफिनेटली आपके क्वेरी के लिए वो कॉल ट्रांसफर करेंगे और वहां से मैं आपके डाउट जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। पूजा डेफिनेटली मैं उसका शेड्यूल बनाता हूँ DBT का और आपको देता हूँ, वो भी हम करेंगे। तेजस्विनी यू आर वेलकम। गायत्री करिए थैंक यू सर, आज हमारे काफी क्वेश्चंस गलत हुए बट आपने एक्सप्लेन करने क्लियर हो गए करके थैंक्स, यू आर मोस्ट वेलकम गायत्री। सचदेव वेलकम, तरन्नुम वेलकम, श्रद्धा वेलकम, पूजा रानी वेलकम, वेलकम गाइज, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये सेशन जो है हम यहीं पर एंड करते हैं। वन मोर हम्बल रिक्वेस्ट टू यू गाइज, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल IFAS ऑनलाइन। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, बेल आइकॉन को भी आपने प्रेस किया है तो सेशन को लाइक कीजिए, और सेशन को लाइक किया है तो वीडियो को शेयर करिए, और अगर शेयर किया है तो और ज्यादा ग्रुप में शेयर करिए। सिंपल सा लॉजिक यहां पर है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में, ऐसे डिस्कशंस के लिए IFAS ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए। आनंद वेलकम, शुभ वेलकम, वेलकम गाइस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच। पल्लवी सिंह वेलकम।